हेलो गाइस, इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम ओतो है और वो एक स्ट्रगलिंग सिंगर होता है। आज भी वो अपने एक गाने के लिए धुन बनाने की कोशिश में लगा हुआ होता है और यहीं पर ही उसकी टक्कर हो जाती है हमारी फीमेल लीड से जिसका नाम सौरा है और यही उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। इसी बीच एक कन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों के एयरफोन्स भी आपस में एक्सचेंज हो गए थे। एक्चुअली इसकी वजह ये थी कि इत्तफाक से वो दोनों एक ही गाना सुन रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ये रियलाइज होता है कि जब उनके फ़ोन से वो एयरफोन डिसकनेक्ट हो गया था। अब सौरा उसे वो वापस करने के लिए आती है और वो दोनों बहुत हंसते हैं इसी इत्तफाक से कि उनका फेवरेट सॉन्ग एट अ टाइम सेम कैसे हो सकता है। और फिर इस शॉर्ट से मुलाकात के बाद सौरा उसकी लाइफ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सौरा अपनी लाइफ में पहली दफ़ा टोक्यो शहर में आई हुई थी। वो एक्चुअली एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी और आज टोक्यो में पहली दफ़ा आई थी। वो वहाँ पर आकर बहुत खुश होती है और जैसे ही वहाँ पहुँचती है सारे रास्ते उसे नींद आती रही थी, तो खुद को फ्रेश करने के लिए एक फाउंटेन से अपने ऊपर पानी डालने लगती है और यहीं पर ही दोबारा से उसे ओतो देखता है। ओतो को उसकी हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी कि ये किस तरह से खुद को जगाने की कोशिश कर रही है। इतने में यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ओतो के हाथ से उसका फ़ोन गिरता है। सीधा पानी के अंदर जाने वाला था कि बीच में सौरा आ जाती है और एक स्टंट करती हुई उसका फ़ोन बचा लेती है एक हीरो के जैसे। उसी समय ओतो को रियलाइज़ होता है कि फाउंटेन्स चलने वाले हैं। वो अपना फ़ोन बचाना चाहता था, फ़ौरन से छीन लेता है, लेकिन बेचारी सौरा बीच में खड़ी अपने सारे कपड़े और सामान भिगा लेती है। अब थोड़ी देर बाद ओतो को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत सेल्फिश हो गया था अपने फ़ोन बचाने के चक्कर में, तो वो यहाँ पर सौरा को कहता है कि तुम मेरी वजह से पानी में उतरी थी तो मैं कंपनसेशन करना चाहता हूँ। ऑफर भी करता है हेल्प करने की, कपड़े दिलाने की, लेकिन वो बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है कि खुद ही ड्राई हो जाएंगे। एक्चुअली सौरा आज इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ पर वो श्वेता से मिलने के लिए आई थी। श्वेता उसका बॉयफ्रेंड था, उसके बचपन का फ्रेंड भी, और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और अपनी वेडिंग प्लानिंग के लिए ही वो उससे मिलने टोक्यो आई हुई थी। लेकिन वो जब उससे मिलती है तो श्वेता बिल्कुल स्ट्रेंजर लग रहा था और वो क्लियरली उसे ये भी कह देता है कि अब से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सॉरी, क्योंकि मुझे एक और लड़की मिल गई है और मैंने रियलाइज़ किया है कि वही मेरी सोलमेट है। और फिर यहीं से ही सौरा को बचपन की सारी यादें आने लगती हैं कि किस तरह से वो छोटी सी थी, लोग उसे उसके नाम को लेकर काफ़ी बुली किया करते थे, उसे खुद का डिफेंस करना भी नहीं आता था कि इतने में श्वेता अपीयर हुआ था और वो तब से लेकर बड़े होने तक जब वो हाई स्कूल में गई हमेशा उसे बुली बॉयज़ और गर्ल्स से बचाता आया था। बचपन में साथ साथ वो लोग बड़े हुए और ना जाने कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई, उनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। फिर एक दिन श्वेता ने सौरा के लिए अपनी पॉकेट मनी से बचाकर एक रिंग खरीदी थी जो वो उसे पहना देता है उन दोनों की प्यार की निशानी के तौर पर। आज वही रिंग उसके हाथों में थी, लेकिन वो रिंग पहनाने वाला उसके हाथों से निकल चुका था। सौरा ने अपनी वेडिंग के लिए काफ़ी सारा पैसा सेव करके रखा हुआ था, लेकिन ऑफकोर्स अब शादी तो हो नहीं रही थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना उसी पैसे से अपनी छोटी छोटी कुछ विशेज पूरी कर ली जाएं। वो टोक्यो पहली दफ़ा आई थी तो वहाँ के एक 5-स्टार होटल में जाती है और अपने लिए एक लग्जरी सा रूम बुक करा लेती है और इसके साथ साथ वहाँ के एक स्टार शेफ़ का डिनर मेन्यू भी उसने अपने लिए बुक कर लिया था। सौरा की जिस तरह की कंडीशन थी वहाँ के एम्प्लॉयज़ को शक होने लगता है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं, तो यहाँ पर सौरा उनको अपने पैसे दिखाती है, तब उन्हें यकीन आता है कि ये वाकई रियल कस्टमर है। वेल, अब सौरा लाइफ में पहली दफ़ा से एक लग्जरी सा डिनर करने वाली थी, वो भी एक स्टार शेफ़ के हाथों से बना हुआ और उसमें ऐसे ऐसे यूनिक आइटम्स थे जो उसने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखे थे। और फिर इत्तफाक से उसी रेस्टोरेंट में ओतो भी आया हुआ होता है जो कि अपनी टैलेंट मैनेजर से एक मीटिंग में था। वो उसे अपना एक नया म्यूज़िक सुनवाता है, लेकिन वो उसके हार्ट को टच नहीं किया था। वो टैलेंट मैनेजर बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को ऊपर उठाया था और ओतो के अंदर के स्टार को जगाना भी अब उसी का टास्क था। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे म्यूज़िक में ज़रा भी जान नज़र नहीं आ रही, लगता है कि जैसे ना तो तुम्हें कभी प्यार हुआ है और ना ही तुम्हारा दिल टूटा है, तभी तुम्हारी धुन में वो दर्द नहीं है जो होनी चाहिए थी। अब वो तो थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वहीं से गुजरते गुजरते उसकी नज़र सौरा पर पड़ती है जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और वहाँ के वेटर से संभाली नहीं जा रही थी। यहाँ पर उसकी नज़र भी ओतो पर पड़ती है तो वो उसे आवाज़ देकर बुला लेती है। वो तो उसे कंपनसेट करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो कोई भी हेल्प लेने से इनकार कर देती है। वो तो वहाँ से चला तो गया था, लेकिन उसे बार बार सौरा की ना जाने क्यों फिक्र हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद बाहर सौरा ड्रंक होकर एक ब्रिज पर खड़ी थी कि उसके हाथ से वो रिंग छूट जाती है। वो रिंग उसे बहुत प्यारी थी, वो उसके पीछे वहाँ कूदने वाली थी कि यहाँ पर उसे ओतो भी देख लेता है और उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये लड़की सुसाइड करने लगी है।
वो भाग कर जाता है, उसकी जान बचाता है, लेकिन इसी बीच उसका एक शू पानी में गिर गया था। लेकिन अब ये शू गिरा देख सौरा को एक चीज रियलाइज हो जाती है कि अगर वो पानी में गिरती तो इसी तरह से डूब जाती। इसका मतलब है कि ओतो ने उसकी जान बचाई है। ओतो को उस पर काफ़ी रहम आता है। उसे पता चल गया था कि ये पहली दफ़ा टोक्यो में आई है। उसका मन नहीं करता कि इसे यहाँ पर छोड़ कर चला जाए, तो वो उसे पिगीबैक कैरी करता है और उसके होटल तक उसे पहुँचाने लगता है। यहाँ बीच रास्ते सौरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी और वो रोना स्टार्ट कर देती है कि श्वेता ने उसे छोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया। वो पहली दफ़ा टोक्यो में आई थी और ये दिन उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन गुजरा है। उसकी ड्रीम सिटी ने उसके सारे ड्रीम्स तोड़ दिए थे, इसलिए वो बहुत सैड होती है। वो तो किसी न किसी तरह से उसे होटल में पहुँचा ही देता है और वहाँ पर उसे स्लीपर्स भी मिल गए थे। अब वो तो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकलने वाला होता है कि सौरा भागती हुई उसके पास आती है और उसे रोककर अपने साथ कमरे में ले जाती हैं। एक्चुअली उसने देख लिया था कि उसी को बचाते बचाते ओतो के अपने बाजू पर चोट लग गई है और वहीं पर ही वो उसे ड्रेसिंग करना चाहती थी। फिर हम एक साइड कैरेक्टर को दिखाते हैं। ये एक आंटी होती हैं और ये आंटी ओतो की लैंडलॉर्ड हैं। उसी समय आंटी को मिलने के लिए उनका बेटा अब्रॉड से आता है उन्हें सरप्राइज देते हुए, और वो कहता है कि वो अब थोड़े ही दिन जापान में रहेगा और इसी बीच वो अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ भी तलाश करना चाहता है। उधर हमें दिखाते हैं कि ओतो को ड्रेसिंग करते करते यहाँ पर सौरा दोबारा से रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहीं ना कहीं ड्रंक भी थी तो उल्टी सीधी हरकतें करती है। अब उसे इस तरह से सैड देख कर ओतो उसे बहलाने लगता है और अपने फोन से वही धुन उसे सुनवाता है जो उसने थोड़े दिनों पहले बनाई थी, और वो म्यूजिक सौरा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इवन के उसके हार्ट को इतना टच किया था कि वो तो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारी तारीफें भी करती है उसके म्यूजिक की। यहाँ पर ओतो को लगा था कि इस लड़की का माइंड मुझे ठीक नहीं लगता, तो यूं करता है कि फर्स्ट एड बॉक्स से भी और उसके बाद जाकर वॉशरूम में से भी सारी तेज धार चीजों को जमा करके खुद के पास रख लेता है ताकि दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश ना करे। लेकिन उसे ऐसा करते हुए सौरा ने भी देख लिया था, उसे काफी खुशी हुई थी कि उसकी केयर कर रहा है। लेकिन इतने में उसे श्वेता की कॉल आने लगती है। अब वो श्वेता की कॉल उठाती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कराना चाहती थी कि जैसे उसके बगैर उसकी लाइफ अधूरी हो गई है। वो बिल्कुल उससे नॉर्मली बात करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अब कॉल खत्म करने के फौरन बाद वो ओतो के पास जाती है और उसका फोन उससे मांगती है। वो जैसे उसे फोन पकड़ाता है तो वो यही धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि ये फोन मैं विंडो से बाहर गिरा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या तुम प्लीज कल मेरे साथ श्वेता के पास चलोगे। एक्चुअली वो श्वेता के सामने ये दिखाना चाहती थी कि वो मूव ऑन कर चुकी है और उसके पास उसके अलावा और भी लोग हैं। वो तो मान तो जाता है, लेकिन उसने सब कुछ सिर्फ ऊपर ऊपर से कहा था। उन दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था। इतने में उसे जाते हुए बैल्कनी से सौरा आवाज देकर रोकती है, उसका नाम पूछती है और फिर अपना नाम भी उसे बताती है। वो तो सोचता है कि ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। लेकिन फिर पता नहीं कौन सी चीज है जो सुबह ही सुबह उसे उसके होटल में लाकर खड़ा कर देती है। वो सोचता है कि चलो एज अ कॉम्पनसेशन ही सही, इसने मेरा फोन पानी में गिरने से बचाया था तो अब मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। उस बेचारी के पास शूज भी नहीं थे तो वो उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसे नए शूज भी दिला देता है, और फिर वो दोनों मिलकर श्वेता के घर की तरफ जाने लगते हैं। श्वेता एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्रामर था और उसके घर को देखकर लग रहा था कि वो काफी अच्छी बिल्डिंग में रहता है, अच्छा कमाता होगा। सौरा को वहाँ आकर काफी बुरा फील हो रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो हर्ट भी हुई थी। वो बेचारी पहली दफा आ रही थी अपने फियांसी के घर, लेकिन वो शादी से इनकारी हो गया था। अब उसके घर पर उनको एक लड़की नजर आती है जिसे देखकर सौरा का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसने तो सोचा था कि खुद को कंट्रोल में रखना है, लेकिन जब वो ये देखती है कि वो लड़की उसके साथ उसके घर में ही रह रही है तो ये तो देखते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है, और जैसे ही गुस्से में भड़कती हुई वो खड़ी होती है उसके सामने श्वेता भी घर में एंटर होता है। वो जाती है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है, उसे मारती है, धक्के देती है और रोती हुई कहती है कि तुम्हें क्या मिला मेरा दिल तोड़ के, क्या तुम हमेशा से मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे, और बस इस तरह की बहुत सारी बातें सुनाती हुई अपना गुस्सा निकालती हुई वहां से चली जाती है। वो तो भी उसका सामान उठाता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब उसको समझ भी नहीं आ रही थी, अब उस बेचारे को तो समझ भी नहीं आ रही थी, वो सौरा की लाइफ से खुद को निकालना चाहता था, लेकिन उसका हमेशा मन ही नहीं करता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे। इतने में हमें सौरा के घर का सीन दिखाते हैं। उसके घर पर उसकी एक ग्रैंड माँ थी और कुछ आंटीज भी आई हुई थी क्योंकि आज एक स्पेशल डे था। सौरा का वेडिंग ड्रेस आज रेडी होकर घर पर पहुंच चुका था जिसे सारे लोग बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और उसको कॉल करके बताते हैं, बहुत सारी बधाई और बेस्ट विशेज भी देते हैं। सौरा का मन नहीं कर रहा था कि इतनी खुशी के मौका पर अपनी ग्रैंड माँ का दिल तोड़ दे, तो वो सिर्फ खामोश रहती है।
और उनको कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती है कि श्वेता के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं आउटिंग पे आई हुई हूँ। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ग्रैंड माँ है। वो उसे कहती है कि ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ऑफ कोर्स मुझे अपनी ग्रैंड माँ को बताना है लेकिन मैं घर वापस जाकर खुद से बताऊँगी। अब उसने फैसला किया था कि वो आज ही टोक्यो से वापस चली जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो जा ही नहीं रही होती, बल्कि वो तो जहाँ जहाँ जा रहा था वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती हैं। मंजिल क्या थी उसे खुद भी नहीं पता था, बल इसी तरह चलते चलते वो ओतो के नेबरहुड में पहुँच जाती है, और ओतो जिस एरिया में रहता था वो काफ़ी हाई फाई एरिया लग रहा था, और ये देखकर वो सोचने लगती है कि वो तो लगता है बहुत बड़ा स्टार है या फिर बहुत रिच इंसान है। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्या मैं एक रात तुम्हारे घर पर ठहर लूँ, लेकिन वो तो उसे साफ इनकार कर देता है। अब उसके बाद सौरा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से उससे पूछती है कि तुम कौन से बैंड से हो, तुम सिंगर हो तो तुम्हारा स्टेज नेम क्या है। अब वो तो कुछ सोचकर उसे एक अननोन से बैंड का नाम बता देता है, और उसमें एक मास्क वाला मेंबर था वो खुद बन जाता है। सौरा उस बैंड को जानती थी और वो कहती है कि वही मेंबर तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उससे ऑटोग्राफ भी लेने लगती है। अब वो तो सोचता है कि इस बेचारी लड़की के साथ जब से टोक्यो आई है बुरा ही बुरा हुआ है, इतनी बुरी यादें इसे क्या देनी, क्यों ना इसका फेवरेट आइडल ही बन जाऊँ थोड़ी देर के लिए। और वो वही आइडल बनकर उसको ऑटोग्राफ भी दे देता है ताकि ये कुछ तो अच्छी यादें लेकर टोक्यो से जाए। और वैसे भी उसे लगता था कि अब की बार वो दोनों कभी भी नहीं मिलने वाले। अब उसे गुड बाय कहने के बाद सौरा सीधी एक सोना में जाती है, और वो वहाँ पर एक स्टीम बैथ ले रही थी। ये लाइफ में उसने पहली दफ़ा इंजॉय किया था, लेकिन यहाँ पर वो इतनी देर से बैठी होती है कि फेंट ही हो जाती है। उधर ओतो को अपने घर पर थोड़ा सा शोर सुनाई देता है, तो वो कमरे से नीचे उतर कर देखता है तो उसकी लैंडलॉर्ड आंटी आज एक लड़की को भी साथ में लेकर आई हुई थी, और वो कहती है कि ये सोना में बेहोश हो गई थी, मैंने सोचा कि आज रात यहीं काट ले। और जब वो देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सौरा ही है। अब किस्मत उनको वापस एक दूसरे के सामने लेकर आई है, उनकी लव स्टोरी कैसे बनेगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। ये आंटी घर पर सौरा को लेकर आ जाती है, और जब वो ओतो को वहाँ पर देखती है तो सरप्राइज रह जाती है, और उसे साफ पता चल जाता है कि ये कोई रिच नहीं है बल्कि इसने वो सुपरस्टार मांबो होने का भी झूठ बोला है, वो उसका दिया हुआ ऑटोग्राफ भी फाड़ देती है। और बस फिर क्या था, उन दोनों की घर में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रश करते हुए भी एक दूसरे से लड़ते हैं और घर में रहने को लेकर भी। अब नेक्स्ट डे आंटी सौरा की जब सारी कहानी सुनती है तो उन्हें उस पर काफी रहम आता है, और वो उसे ऑफर देती है कि अगर तुम टोक्यो में रहना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकती हूँ। वैसे आंटी काफी नॉटी नेचर की थी, और वो यहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाती है और उसे कहती है कि तुम एक गाँव की लड़की हो, तभी तो तुमने अपना लवर एक टोक्यो की लड़की के हाथों खो दिया है। अब वो उसे यही मशवरा देती है कि यहाँ रहना है तो कमाना तो पड़ेगा, और फिर उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सेल करने का एक प्लान बना भी लिया है। अब उसको सेल करने का कुछ और ही मतलब समझ आ रहा था कि जैसे आंटी उसे बॉडी सेल करने का कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आंटी ने उसे अपने किसी जानने वाले अंकल के रेस्टोरेंट पर वेट्रेस के तौर पर रखवा दिया था। अब वो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काम भी सीखती है और कुछ ना कुछ पैसा भी कमाने लग जाती है। और मज़े की बात है कि वहाँ के अंकल और उनकी बेटी जो उस रेस्टोरेंट के ऑनर थे वो काफ़ी स्वीट और नाइस टाइप के इंसान थे, और उनकी फौरन सौरा से दोस्ती भी हो जाती है। उधर हमें ओतो को दिखाते हैं, वो एक स्ट्रगलिंग स्टार तो था ही सही, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए पार्ट टाइम में बारिश्ता की जॉब भी किया करता था। आज जब उसे छुट्टी का टाइम होता है तो वहाँ पर उसे मिलने के लिए सोके भी आता है। सोके आंटी का ही बेटा था। सोके बहुत रिच था, वो एज में तो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन वो एक काइंड हार्ट रखता था, और इसके साथ साथ वो जापान के टॉप 10 यंग बिजनेसमैन की लिस्ट में भी आ चुका है। लेकिन अभी भी वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारता था, उसमें थोड़ा सा भी नखरा नहीं था और ना ही उसकी मम्मी में था। वो तो को यही कहता है कि मेरे ना होते हुए प्लीज मेरी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आज सौरा को अपने होम टाउन से कॉल आती है, उसकी दादी की एक्चुअली टांग खराब थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने की। वो लोग घर पर एक लिफ्ट लगवाना चाहते थे लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा था। पहले तो इस लिफ्ट के सारे एक्सपेंसेस श्वेता ने बेयर करने थे, लेकिन अब ऑफकोर्स ये सौरा को ही करना पड़ेगा। 3 मिलियन का सुनकर वो परेशान हो जाती है, इतने में उसे कुछ सामान भी गिर जाता है। अब वो अकेले ही सारी चीजें संभाल रही होती है और लोग पास से गुजरते रहते हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। वो सोचती है कि टोक्यो के लोग कितने कोल्ड हैं। लेकिन इतने में कोई आता है, रुकता है और उसकी हेल्प करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सुके ही था।
अब सुखे का फर्स्ट इम्प्रेशन सौरा पर काफी अच्छा रहा था। अब सौरा रेस्टोरेंट ऑनर गर्ल से बात करती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम 3 साल यहाँ काम करो तो जाकर 3 मिलियन कमा पाओगी। अब ये सुनकर तो सौरा काफी परेशान हो जाती है। वो गर्ल उसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी थी, तो उसकी फ्रेंड्स को मशवरा देती है कि देखो तुम खुद भी शादी के लिए रेडी हो, तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी है, तो तुम यूँ क्यों नहीं करती कि मैरिज हंटिंग स्टार्ट कर दो। टोक्यो में बहुत से अच्छे अच्छे लड़के हैं जो इतने रिच होते हैं कि उनके लिए 3 मिलियन 300 रुपए से ज्यादा नहीं होता, और हो सकता है किसी तरह से तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा सा लड़का भी आ जाए। वो उसे यही मशवरा देती है कि बस तुम थोड़ी सी मॉडर्न बनने की कोशिश करो और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनो और पार्टीज में जाया करो। अब सौरा ये सारा कुछ जाकर ओतो को भी बताती है, और जब वो सुनता है कि ये मॉडर्न बनेगी और डेटिंग ऐप भी ज्वाइन करेगी तो ये सुनकर उसकी हंसी रोक ही नहीं जाती। वो उससे कहता है कि तुम में गर्ल्स जैसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, इसलिए बेहतर है कि तुम बटरफ्लाई बनने की कोशिश ना ही करो। अब इस बात पर सौरा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है, और इससे आगे उनकी इस तरह की फाइट बढ़ती है कि लग रहा था कि घर में 2 बच्चे हैं जो आपस में खेल रहे हैं। आंटी काफी डिस्टर्ब होती हैं, और जब वो निकलती हैं उनको रोकने के लिए तो उनको खुद भी एक बॉल फेस पर लग जाता है, लेकिन आंटी इतनी स्वीट थी कि उनको डांटने की बजाय खुद भी उस खेल का हिस्सा बन जाती हैं। अब नेक्स्ट डे सौरा को दिखाते हैं, वो ड्रेस अप होकर खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि कैसे उसने एक बटरफ्लाई बनने की कोशिश करनी है। जबकि वो तो जब आज अपनी एजेंसी में गया हुआ होता है तो उसकी मैनेजर उसको एक छोटा सा टास्क अरेंज करके देती है। उसने एक वीडियो के पीछे कुछ म्यूजिक को कंपोज करना था। अब इत्तफाक से वहीं पर ही एक और बैंड भी आकर बैठ जाता है जो कि आजकल बहुत फेमस होता जा रहा था। उसमें एक लड़की थी और उसके साथ वही मांबो था जो हमेशा फेस पर मास्क लगाए रखता था। यहाँ पर मांबो ओतो को यही मशवरा देता है कि वो टाइम जब मैं एक स्ट्रगलिंग स्टार हुआ करता था तब भी मैंने कभी भी अपने बनाए हुए टैलेंट को सस्ते में नहीं बेचा था, और तुम्हें भी यही मशवरा है कि अपने टैलेंट को इतना सस्ता मत बेचना। यहाँ पर ओतो उससे काफी इम्प्रेस था क्योंकि आजकल मांबो का काम बहुत अच्छा जा रहा था। यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपका एक ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। ऑफकोर्स ये अपने लिए नहीं बल्कि वो सौरा के लिए लेना चाहता था। अब उस बैंड की गर्ल मेंबर को दिखाते हैं, वो काफी वियर्ड टाइप की थी, और जैसे ही मांबो वहां से उठकर जाता है ओतो के पास चिपक कर बैठ जाता है और उससे कहने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो और मेरा तो तुम्हारे पर पहले ही नजर में दिल आ गया है, लव एट फर्स्ट साइट को तुम मानते हो क्या। अब ओतो किसी तरह से उससे तो जान छुड़ा लेता है और फिर घर जाकर वही ऑटोग्राफ वो सौरा को दे देता है। सौरा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसका थैंक्स भी करती है। यहाँ पर वो दोनों काफी देर बातें करते रहते हैं। सौरा उससे कहती है कि देखो मैं मैच मेकिंग के लिए तो जा रही हूँ और मैंने डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट भी बना लिया है, लेकिन ये सब करके उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि वो श्वेता को भुला सके और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। एक्चुअली बचपन के प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल था। वो कहती है कि अब तो मैं लव में बिलीव करती ही नहीं हूँ, इसीलिए अगर मुझे कोई अचानक से मिल जाए तो शायद वही मेरा बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकता है। यहाँ पर ओतो से वो पूछती है तो वो बताता है कि मैं भी प्यार में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ओतो की एक ही गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि कॉलेज टाइम से उसके साथ थी, लेकिन कॉलेज के बाद उसने ओतो को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास कोई ढंग का काम ही नहीं था। वो अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो इसलिए उसने एक बेटर ऑप्शन को चूज कर लिया और ओतो को डंप कर दिया। इन शॉर्ट हमें ये तो पता चल जाता है कि ओतो और सौरा दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं जो दिल की बातें भी कर लेते हैं। आज ओतो की शॉप पर एक लड़की आती है जो कॉफी पीने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ की कॉफी ने मुझे दीवाना बना दिया है, और इसके साथ साथ तुम बहुत हैंडसम भी हो, और अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो मुझे फोन पर कांटेक्ट करना। उसे अपना नंबर देकर जाती है, कहती है मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। उधर आंटी के घर पर आज उनका बेटा सुके भी आता है, जिसके आने की खुशी में वो सारे लोग बारबेक्यू पार्टी भी करते हैं और इकट्ठे एंजॉय करते हैं डिनर करते हुए। और इस डिनर के बीच भी ओतो और सौरा की वही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह की। यहाँ पर सौरा उसे कहती है कि तुम खुद को कहाँ से हैंडसम कहते हो, तुम कहीं से भी माचो नहीं लगते बल्कि एक हाई स्कूल बॉय लगते हो। और इसके जवाब में ओतो भी उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगता है। अब आंटी और सुके किसी तरह से उनकी लड़ाई खत्म कराने के लिए वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगते हैं, और गिटार पर आंटी उनको एक गाना भी सुनाती हैं। अब इसके बाद ओतो के पास सुके आकर बैठता है और ओतो उससे बहुत सारे मशवरे भी लेता है अपने कैरियर से रिलेटेड, और उनको कुछ धुनें भी सुनवाता है जो उसने अभी अभी बनाई थी। सौरा आंटी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ओतो में कोई खास टैलेंट है, अगर टैलेंट होता तो ये अब तक ऊपर जा चुका होता। लेकिन आंटी का कहना था कि ये बात बिल्कुल गलत है, जो दूसरों में नहीं होता, इसीलिए तो उसकी हेल्प करने के लिए और मॉरली सपोर्ट करने के लिए मैंने उसे अपने घर पर ही करने के लिए जगह दी हुई है। अब जब सुके एक दिन के लिए उस घर में रहता है तो यहाँ पर ओतो ने नोटिस किया था कि वो सौरा में काफी इंटरेस्ट लेने लगा है, और वो सौरा को ये भी कहता है कि मुझे फेक टाइप की आर्टिफिशियल गर्ल्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे मशवरा देता है कि अगर तुम कल मेरे साथ पार्टी में चलो तो वहाँ पर शायद तुम्हें कोई मैच मेकिंग मिल जाए।
उधर रोतो को दिखाते हैं, उसे अपनी पॉकेट में जब वही नंबर दिखाई देता है तो उसे उस लड़की की याद आने लगती है, लेकिन वो सोचता है कि यकीनन कोई स्कैम होगा और मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो उस नंबर पर कॉल करे। जबकि उधर होम टाउन में दिखाते हैं कि श्वेता अब ग्रैनी के पास पहुंचा हुआ होता है। ग्रैंड माँ काफी गुस्से में आ गई थी क्योंकि सौरा ने अभी तक सब कुछ उनसे छुपाया हुआ था और कुछ भी सच नहीं बताया था कि श्वेता ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। अब ग्रैंड माँ काफी परेशान होती है कि इतने दिन वो टोक्यो में कैसे रह रही है, और साथ ही साथ उसने ये भी वादा किया था कि जल्दी लिफ्ट के पैसे भी ट्रांसफर कर देगी, वो ये सब कुछ कैसे करेगी। जबकि उधर आंटी आज ओतो के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत सादा है, ऑल्दो वो बहुत रिच है, सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी उसे एक सिंपल गर्ल ही चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर, और वो सिंपल गर्ल मुझे सौरा की शक्ल में नजर आती है। अब ओतो को समझ आ गई थी कि एक तरफ आंटी भी और दूसरी तरफ सुके भी सौरा में काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सौरा आज सुके के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, वहाँ पर काफी इलीट टाइप के लोग थे और बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे। उन लोगों का लाफ्टर भी फेक था और उनकी पर्सनैलिटीज भी। वहाँ पर हर कोई बहुत ऊंची जगह से आया था, या तो बहुत ऊंची जॉब करता था या फिर बहुत बड़े परिवार से था। एक सौरा ही थी जो वहाँ पर सबसे सिंपल थी, और उसे ये कहते हुए काफी शर्म भी आती है कि वो सिर्फ एक वेट्रेस है। सुके ने भी देख लिया था कि वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही। अब वो पार्टी से बाहर चली जाती है और एक बच्ची के साथ खेलने लगती है। एक्चुअली उसी बिल्डिंग में उस बच्ची की मामा वॉशरूम यूज करने के लिए गई थी, और वो बच्ची बाहर खड़ी होकर उनका वेट कर रही होती है। सौरा जब उस बच्ची से खेलती है तो उसके फेस पर रियल स्माइल आती है, जबकि पार्टी में ऐसी खुशी उसके फेस पर बिल्कुल नजर नहीं आई थी। ये बात सुके ने भी फील की थी, और उसकी यही क्वालिटी सुके के दिल को छू जाती है। उधर घर पर ओतो ने एक बहुत अच्छी धुन बनाई थी, और वही वो फौरन से सौरा को दिखाना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सुके के साथ एक पार्टी में गई हुई है। ये सुनते ही वो काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि मुझे अब उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, वो भी शादी करना चाहती है और सुके से अच्छा मैरिज मटेरियल और कोई भी नहीं हो सकता। सुके वाकई एक नाइस इंसान था, और आज रास्ते में सौरा उसे बताती है कि इस बच्ची में मुझे अपना बचपन दिखाई दिया था, क्योंकि बहुत सालों पहले जब वो छोटी सी थी तो उसकी मामा उसे यही झूठ बोलकर एक जगह खड़ा करके गई थी कि वो टॉयलेट जा रही है, लेकिन लौटकर कभी भी नहीं आई थी। जबकि उधर ओतो खुद को सौरा से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसी लड़की का नंबर मिलाकर उसे कॉल कर लेता है जो उसकी कॉफी शॉप पर आई थी, और वो लड़की फौरन से उसकी आवाज पहचान जाती है और कहती है कि मैं दो दिन से तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। कहते हैं कि जब सौरा सुके के साथ वापस आ रही होती है तो रास्ते में बार बार उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी, कॉल नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन फिर सुके के कहने पर वो कॉल अटेंड कर लेती है, और कॉल उठाते ही ग्रैंड माँ उसे डांट पिलाना स्टार्ट कर देती है। उसे कहती है कि श्वेता यहाँ पर आया था, उसने हमें सब सच बता दिया है, बहुत माफिया मांगी है और बताया है कि कैसे उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और अब तुम दोनों की शादी नहीं हो रही। तुम मुझसे इतना अरसा क्यों झूठ बोल रही थी, और तुम कहाँ रह रही हो, आजकल क्या कर रही हो। इतने में उसे परेशान देखकर सुके भी गाड़ी से निकल आता है। यहाँ पर सौरा उनसे कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, वाकई शादी मैं करने वाली हूँ, और इतने में उनको होल्ड पर लेती है। इधर उधर देखती है तो उसे सुके नजर आता है, उससे कहने लगती है विल यू मैरी मी। सुके तो पहले ही जापान सिर्फ शादी करने के लिए आया था। वो कहता है कि अगर तुम वाकई सीरियस हो, प्रैंक नहीं कर रही, तो मेरी तरफ से तो ट्रूली यस है। अब ये सुनकर सौरा हैरान भी हो गई थी और खुश भी। उसके बाद दिखाते हैं कि आंटी भी बहुत खुश थी, उन्हें पहले ही सौरा बहुत पसंद थी और अब उनके बेटे की उससे शादी होने वाली थी। वो उनको डेटिंग के लिए एक एक्वेरियम के दो टिकट्स देती हैं ताकि वो जाकर इंजॉय करें, और साथ ही साथ ओतो को भी दो टिकट्स देती हैं। ओतो बहुत सैड हो जाता है, उसका मन था कि वो सौरा के साथ वहां जाता, लेकिन फिर अपने दिल पर काबू रखता है क्योंकि अभी उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो अब नेक्स्ट डे सौरा सुके के साथ एक्वेरियम डेट पर चली जाती है। वो वहां जाकर काफी एंजॉय कर रही थी, वहां पर बहुत सारा फन भी करती है, लेकिन किसी भी एंगल से वो दोनों एक कपल नहीं लग रहे थे, और ना ही लग रहा था कि ये कोई डेट है। उधर हमें ओतो को दिखाते हैं। अब सौरा को बुलाने के लिए वो अपने साथ उसी कॉफी शॉप वाली लड़की को लेकर चला जाता है। यहाँ पर सौरा की एक दफा उस पर नजर पड़ती है, और ओतो के साथ किसी और लड़की को देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या फीलिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जेलसी हुई थी और बहुत ज्यादा हुई थी। अब डेट के बाद, अब एक्वेरियम की सैर के बाद, ओतो उस लड़की को खाना खिलाने के लिए भी लेकर जाता है। वो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन साफ लग रहा था कि उसे ऐसा करके बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, वो उसके साथ एडजस्ट फील नहीं करता। उधर सौरा भी एक बात नोटिस करती है, और वो ये थी कि सुके को बार बार कहीं ना कहीं से कॉल्स आती थी, और वो साइट पर जाकर वो कॉल सुनता था और इंग्लिश में बातें करता था। इतने में वहां से गुजरते गुजरते सौरा को एक ड्रेस दिखाई देता है। वो एक ब्राइडल ड्रेस था और बहुत स्टनिंग था। उसकी डिजाइनिंग इतनी जबरदस्त थी कि सौरा को उस पर दिल आ जाता है। यहाँ पर सुके उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये खरीद कर दे सकता हूँ, लेकिन सौरा उसे रोक लेती है क्योंकि उसका मन नहीं मानता था। वो 1.2 मिलियन का ड्रेस था।
अब उसके बाद सुखी और सौरा दोनों एक जगह लंच करने के लिए जाते हैं। उन दोनों ने बहुत अच्छा समय इकट्ठे बिताया था, लेकिन सौरा बहुत सिंसियर थी फीलिंग्स में, सच कह देती है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, लेकिन मैंने अपने दिल को तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं पाया, लगता नहीं था कि एक डेट है। लेकिन फिर भी वो दोनों फ्रेंड्स की तरह से अच्छे से रह सकते थे। यहाँ पर सौरा उसको अपने विलेज की फोटोज भी दिखाती है और इसके साथ साथ सुखी उसको एक गिफ्ट भी देता है और उस गिफ्ट में जब वो बॉक्स खोलती है तो एक क्यूट सी रिंग थी और उस रिंग के अंदर एक जेलीफिश बनी हुई थी। ये सौरा को काफी पसंद आती है। उधर हमें ओतो को दिखाते हैं, उसको उसकी मैनेजर कॉल करती है और एक गुड न्यूज देती है। वो बताती है कि जो म्यूजिक अभी तुमने कंपोज किया था वो एक बहुत बड़ी कंपनी को पसंद आ गया है। ओतो भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी सबसे पहली सबसे बड़ी सक्सेस थी। इतने में वो जैसे ही मुड़ कर आता है वो लड़की उससे पैसे मांगने लगती है। वो हैरान हो जाता है तो वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगती है कि मेरी मम्मी बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, उधार दे दो। लेकिन वो तो इतना सीधा साधा नहीं था, वो फौरन से समझ जाता है कि लड़की एक स्कैम है और इसने उस दिन मुझे नंबर जो दिया था वो भी इसी चक्कर के लिए दिया था। वो उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे पहली मछली के तौर पर फंसाया है, यह काम काफी अरसे से करती हो। पहले तो वो इनकार करती है लेकिन बाद में मान जाती है और कहती है कि मैं स्कैम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और तुम मेरे पहले शिकार थे। शायद अभी मुझे और एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसीलिए मैं फौरन से पकड़ी गई हूँ। अब वो तो कभी काफी दिल टूट जाता है क्योंकि इस लड़की ने उसे कहा था कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। वो बेचारा भी बड़ा खुश हो गया था कि इस लड़की ने ना तो मेरी जॉब को देखा ना ही मेरे कैरियर को, ऐसे ही मुझे लाइक करने लगी है। अब उसे जाते जाते वो लड़की रोकती है और बताती है कि मेरा रियल नेम सारा है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे पर बहुत मुश्किल टाइम है, अगर कभी मुझे एक फ्रेंड की जरूरत हुई तो मैं जरूर तुम्हें कॉल करूंगी। अब ओतो का मूड बहुत खराब था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो सौरा बहुत खुश खड़ी थी और वो दिखाती है कि मुझे इस रिंग से सुखे ने प्रपोज किया है। लेकिन वो रिंग देखते ही ओतो कहता है, इतनी चीप रिंग, मुझे पहले ही पता था उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। अब इस बात पर आगे से सौरा उससे बच्चों की तरह लड़ाई करना चाहती थी लेकिन उसका कोई भी मूड नहीं था। और फिर वो उसे बता देता है कि वो इतना सैड इसलिए है क्योंकि आज वो जिसके साथ डेट पर गया था वो लड़की एक फ्रॉड थी और उसे लूटने के लिए आई थी। अब सौरा जब उसकी दुख भरी कहानी सुनती है तो उसे वाकई ओतो के दिल टूटने का बड़ा अफसोस हुआ था। अब उसके बाद वो दोनों बाहर बॉनफायर के सामने बैठते हैं, एक दूसरे से काफी सारी दिल की बातें करते हैं। यहाँ पर ओतो ना चाहते हुए भी उसे उसकी मैरिज प्रपोजल के लिए कांग्रेट्स कहता है। वो ऊपर से तो खुद को खुश दिखाई देना चाहता था लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत सैड हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर आंटी सुखे के साथ कुछ ट्रेडिशनल फूड खाने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर बार बार उसे कॉल्स आ रही थी और वो इंग्लिश में बातें कर रहा था। आंटी को भी शक हो जाता है, वो उसका फोन चेक करती हैं तो पता चलता है कि न्यूयॉर्क से एक लड़की मैरी की बार बार उसे कॉल्स आ रही हैं। वो अपने बेटे से इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं, ओतो को सुबह ही सुबह 6 बजे आंटी जगाती हैं और कहती हैं तुमसे दिल की कुछ बातें करनी है और फिर उससे शेयर करती हैं कि एक्चुअली मेरा बेटा न्यूयॉर्क में एक गर्लफ्रेंड रखता था जिसका नाम मैरी था और अब वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई है। वो उसे जान भी छुड़ाना चाहता है लेकिन एडिक्टिव हो चुका है, इसीलिए तो उसने जापान से एक लड़की से शादी का फैसला किया ताकि वो वापस जाए और मैरी को दिखा सके कि वो मैरिड है और उसके बाद एक कैट फाइट स्टार्ट हो जाएगी। मैं जानती हूँ सौरा बहुत क्यूट और स्वीट लड़की है, मैं उसको इस मड फाइट में नहीं डालना चाहती, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सौरा को मनाओ किसी तरह और समझाओ कि आइंदा वो शादी की बात ना करे। लेकिन वो तो बताता है कि आपके बेटे ने तो उसे प्रपोज किया है। आंटी हंसने लगती है कि भला उस सस्ते सी रिंग से कोई किसी को प्रपोज कर सकता है। अब वो तो और भी परेशान हो गया था जब वो सौरा को देखता है। उसने तो न्यूयॉर्क जाने की पूरी तैयारी की हुई थी और वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर रही होती है। अब वो तो उसे लेम से एक्सक्यूजेस देता है, कहता है इंग्लिश बोलनी बहुत मुश्किल है, तुम न्यूयॉर्क में कैसे एडजस्ट होगी, इसलिए छोड़ो शादी को और यहीं रहो। लेकिन सौरा ने कहा मानना था। इतने में थोड़ी देर बाद सौरा को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आने लगती है और वो उसे डांटने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या तुम मेरी एक एलिवेटर के लिए शादी कर रही हो और किसी लड़के से पैसे लेना चाहती हो उसकी बिल देने के लिए, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है, क्या तुम खुद को इस तरह से बेचोगी, मैंने तुम्हारी इस तरह की तरबियत नहीं की थी, थोड़ी अकल करो, तुम तो अपनी मामा से भी बुरी निकली हो। अब अपनी मामा की बात सुनते ही सौरा को बहुत अफसोस होता है और वो कहने लगती है मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई थी, उनका नाम मत ले, मैं उनसे ज्यादा बुरी कभी नहीं हो सकती। अब इतने में आंटी ये बात शांत कराने के लिए उससे फोन ले लेती है और उसकी ग्रैंड माँ को बताती है कि ये कुछ गलत नहीं कर रही, एक वेट्रेस की जॉब करती है, थोड़ा बहुत कमा लेती है, गुजारा चला लेती है और आप फिक्र ना करें, थोड़े दिनों तक इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये आपके पास वापस आ जाएगी। अब उनके मुंह से ये बात सुनते ही सौरा को पता चल जाता है कि शादी के सपने देखना छोड़ो, आंटी मुझे वापस भेज रही है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टोक्यो में एक लेडी आती है, बहुत बड़ी डिजाइनर थी, एब्रॉड से आई थी और उसका नाम मैडम आसागी था।
उधर सौरा अब सुके से मिलती है। वो खुद भी उससे सॉरी करती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी कि तुम रिच हो। और सुके भी उससे माफ़ी मांगता है कि मैं भी सिंसियर नहीं था, तुमसे प्यार नहीं कर रहा था, मैरी से जान छुड़ाने के लिए तुमसे शादी करना चाहता था। अब वो दोनों यही फैसला करते हैं कि वो लोग फ्रेंड्स तो रहेंगे लेकिन शादी का टॉपिक ऑफ समझें। उधर हमें मैडम आसागी को दिखाते हैं, वो कहीं इंटरव्यू दे रही थी, वो बहुत बड़ी ब्रांडेड डिज़ाइनर थी और यहाँ पर बातों बातों में बताती हैं कि मेरी एक दफ़ा शादी भी हुई थी और पर्सनल लाइफ भी थी। लेकिन ये सोच कर ही वो सैड हो जाती हैं और उनका मैनेजर रिपोर्टर को बाहर भेज देता है। उधर सुके सौरा से कहता है कि उस दिन एक्वेरियम में जब तुमने ओतो को देखा था तो मैंने तुम्हारी नज़रों में फील की थी एक जेलसी। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ उसको फ्रेंड नहीं मानती बल्कि तुम्हारे दिल में कोई ना कोई फीलिंग्स हैं। अब सौरा जब वापस जाती है तो उसकी ग्रैंडमा की तरफ से उसे एक लेटर आया था और उस लेटर में एक एयर टिकट था, वो उसे वापस बुलाना चाहती थी। वो ये देखकर सैड हो जाती है तो ओतो उसे चिल कराने के लिए उसे एक गेम खेलने लगता है और गेम्स खेलने में और फिजिकल स्ट्रेंथ में वो वाकई बहुत अच्छी थी। अब सौरा बहुत सैड थी और कहती है कि मैं एलिवेटर का बिल कैसे पे करूंगी। वो तो कहता है तुम किसी पर क्यों डिपेंड करती हो, तुम्हें किसी लड़के की क्या ज़रूरत, तुम खुद कमाओ और पैसे पे करो। लेकिन सौरा को लगता था कि वो इतना कभी भी नहीं कमा सकती, पता नहीं कितने साल लग जाएं और तब तक चाहे ग्रैंडमा की डेथ हो जाए। अब वो तो उसे चीयर अप करने के लिए अपना ही कंपोज किया हुआ एक म्यूजिक सुनवाने लगता है जो कि उसने सौरा से ही इंस्पायर होकर बनाया था। सौरा बहुत खुश होती है लेकिन बाद में सैड भी हो जाती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़ का टैलेंट है और तुम्हें किस चीज़ का पैशन है, मेरी लाइफ तो बेकार है, मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं किससे शादी करूँगी, कौन मुझे संभालेगा, क्या मैं कभी इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी। अब वो तो उससे कहता है कि तुम अपने अंदर का टैलेंट और पैशन पहचानने की तो कोशिश करो। इतने में उसे एक आइडिया आता है, वो कहती है अपने होम टाउन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और उसको ले जाकर वही ब्राइडल ड्रेस दिखाती है जो उसे बहुत स्टनिंग लगा था। शायद वो यही कहना चाहती है कि उसके अंदर एक डिज़ाइनर बनने का कीड़ा है। अब वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं कि वो तो उससे कहता है कि प्लीज़ सौरा तुम ना जाओ, तुम यहीं ठहर जाओ। तो ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग किसी के आने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो अब सौरा के मन में जो भी बात आती थी वो हमेशा ओपनली बोल दिया करती थी। तो अब भी वो यही कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो, क्या तुम मुझे अभी किस करने वाले थे, क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचते हो। अब वो एक साथ उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की बौछार कर देती हैं और इसके जवाब में वो तो बस इतना ही कहता रह जाता है कि तुम्हारा माइंड किस किस तरफ जा रहा है, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें रोकना चाहता हूँ कि तुम टोक्यो में रहो, कमाओ और हर वो सपना पूरा करो जो तुम करना चाहती हो, बाकी शादी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुबह सुबह आंटी से उन दोनों को डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो सारी रात बाहर रहे थे और उन दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और अब हैंगओवर की वजह से वो दोनों उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। आंटी पहले तो उनको डांटती हैं और फिर कहती हैं बहुत अच्छी बात है तुम दोनों की दोस्ती हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन किसी भी टाइप का फिजिकल रिलेशन मैं अलाउ नहीं करूंगी इस घर में। सौरा बेचारी तो अभी तक ड्रंक थी लेकिन जैसे ही वो ये बात सुनती है उसे लगा था कि उसकी आंखें भी खुल गई हैं, लेकिन वो टॉन्ट करते हुए इतना जरूर कहती है फिजिकल रिलेशन तो दूर की बात, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को ढंग से किस करना भी आती होगी। और बस फिर क्या होना था, वो तो उसकी ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और फिर दोबारा से उनकी फाइट होने लगती है। और इस फाइट के बाद सौरा इतने जोश में आ गई थी कि उसने अपनी ग्रैंडमा का भेजा हुआ टिकट वो भी फाड़ दिया था, कहती है कि मैं टोक्यो में रहूंगी और अपनी नानी के लिए एलिवेटर भी अफोर्ड करूंगी। और फिर उसके बाद हमें डिज़ाइनर मैडम आसागी को दिखाते हैं, वो जापान में थोड़े अरसे विजिट के लिए आई थी और अब वो पेरिस वापस जा रही होती है, वो बहुत स्टनिंग वुमन थी और बहुत गॉर्जियस भी थी। सौरा ने वापस ना जाने का फैसला तो कर लिया था लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना सारा पैसा कैसे कमाए। वो अपने एम्प्लॉयर से बात करती है कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसे मना करते हैं कि फूड बिजनेस में तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा इसमें पैशन ही नहीं है, ना तुम्हें टेस्ट का पता चलता है ना ही सही से खाना बनाना आता है, इसलिए तुम पहले अपना पैशन ढूंढो कि तुम्हें क्या करना आता है, उसके बाद ही कोई बिजनेस करना। अब सौरा को और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो जाती है और वही अपने फेवरेट वाले ड्रेस के सामने जाकर बैठ जाती है, वो अक्सर उसे देखने के लिए जाया करती थी। यहाँ पर उस स्टोर का ऑनर भी आज बाहर निकलता है, वो सौरा को अक्सर नोटिस किया करता था तो आज उसको बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हारा लकी डे है। वो उस ड्रेस को डिस्प्ले से रिमूव कर रहा था तो वो सौरा को ऑफर करता है कि अगर तुम इस ड्रेस को करीब से देखना चाहो तो देख सकती हो, और ना सिर्फ वो उसे देखने देता है बल्कि उसका मूड अच्छा था तो उसको ऑफर करता है कि अगर तुम ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकती हो। और सौरा का एक बहुत बड़ा सपना इस तरह से पूरा हुआ था, वो वही ड्रेस पहन कर भी देखती है।
और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये बहुत बड़े ब्रांड का ड्रेस है और उस ब्रांड का नाम था ऑक्सर डेला रेंटा। और फिर दूसरी तरफ हमें ओतो को दिखाते हैं। आज जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसकी मैनेजर उसके लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन अरेंज करके बैठी हुई थी, क्योंकि आज ओतो को अपना डेब्यू वर्क मिल चुका था और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बताती है कि उसने किस तरह से उसका सॉन्ग और उसका म्यूजिक किसी को सुनवाया था और वो बहुत पसंद आ चुका है। अब लिरिक्स तो उसने लिख लिए थे, लेकिन उसके सॉन्ग को गाने के लिए किसी और बैंड मेंबर की ज़रूरत थी। मैनेजर यही मशवरा देती है कि तुम अपने साथ मेंबर किसी लड़की को रखो। अब अच्छी आवाज़ के साथ और क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, वो इसी बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। उधर सौरा जब घर पर होती है तो आंटी के कुछ ड्रेसेस ड्राई क्लीन होकर वापस आए थे। वो देखती है तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे और उसे लगा था कि ऑक्सर डेला ही ब्रांड के हैं। वो उन ड्रेसेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने लगती है और उसकी स्टिचिंग को ऑब्जर्व करते करते वो उससे बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करने लगती है। आंटी उस टाइम पर अपने बेटे सुके को मिलने के लिए गई हुई थी, क्योंकि वो न्यूयॉर्क वापस जा रहा था। आंटी उससे कहती है कि अगर मैरी तुम्हारे दिल में इतनी जगह रखती है कि तुम उसे छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर छोड़ने की क्या ज़रूरत है। इनडायरेक्टली आंटी ने इजाज़त दे दी थी कि वो एक फॉरनर से शादी कर सकता है। और फिर हमें सौरा की ग्रैंड माँ को दिखाते हैं। वो बार बार एक मैगजीन को देखा करती थी और उसमें मैडम आसागी की ही फोटोज़ होती थी। वो उस ड्रेस डिज़ाइनर से इतनी क्यों अटैच थी, इसका मतलब भी यही निकलता है मेरे ख्याल से कि शायद वो सौरा की मॉम है जो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, और उसकी ग्रैंड माँ की बेटी जिसकी फ़ोटोज़ वो अब चोरी चोरी देखा करती थी। उधर ओतो जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि सौरा ने बहुत गड़बड़ कर दी थी। अपने इस जुनून में उसने आंटी के ड्रेसेस को काट कर रख दिया था। अब उसके बहुत सारे पीसेस अलग हुए पड़े थे और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी जल्दी जल्दी इसे कैसे स्टिच करेगी, कि जब उसके पास कोई सुइंग मशीन भी नहीं थी। अब वो किसी न किसी तरह कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही होती है और ये सब करने में ओतो भी उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन एंड टाइम पर आंटी ऊपर से आ जाती है और वो दोनों मिलकर सारा कुछ क्लियर अप करते हैं और फिर आराम से बैठे छत की तरफ लाइट्स को घूरने लगते हैं। आंटी कौन सा छोटी बच्ची थी, उनको फौरन पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उनको अपना छुपाया हुआ ड्रेस ढूंढने में 2 मिनट भी नहीं लगते। अब सौरा उनसे बहुत सॉरी करती है कि आपका ब्रांडेड ड्रेस मैंने ख़राब कर दिया, लेकिन आंटी बताती है कि ये उस ब्रांड का नहीं बल्कि एक और ब्रांड का है और थोड़ा चीप ही था, और वैसे भी अब ये ड्रेस मैं पहनना ही नहीं चाहती थी। अच्छी बात है, अगर तुमने इससे कुछ सीखा तो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सौरा और ओतो अक्सर आंटी के सोना पर जाते थे और वहाँ पर काफ़ी सारा काम भी किया करते थे। वो दोनों इकट्ठे मस्ती करते थे और वॉशरूम्स भी क्लीन किया करते थे। इसी तरह से समय साथ बिताते बिताते उनकी बहुत बॉन्डिंग हो गई थी और उनको देखकर लगता था कि जैसे वो बेस्ट फ्रेंड्स हों। एक दिन सौरा ओतो के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत दफ़ा मेरी लाइफ बचाई, मेरी हेल्प की। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम समर के मौसम में पैदा हुए थे। उन दोनों की एज तो सेम थी ही सही। आज जब वो तो उसे अपनी बर्थ डेट बताता है तो पता चलता है कि वो सौरा से 7 दिन छोटा है। यह सुनकर सौरा काफ़ी हंसने लगती है और फिर उसके बाद वो एकदम एक रोमांटिक बात करती है। कहती है कि इसका मतलब है इस दुनिया में मैंने सिर्फ 7 दिन तुम्हारे बगैर अकेले में गुजारे थे। अब उसकी ये बात वो तो के दिल को छू जाती है। वो उसके क्लोज आता है, अपनी आईज भी क्लोज कर लेता है। लगता था कि जैसे बस किस करने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर सौरा उसके साथ एक प्रैंक कर देती है। वाटर गन से उसे तंग करने लगती है। अब ऑफ कोर्स ओतो भी उससे पीछे रहने वाला नहीं था। वो भी आता है और पूरी की पूरी बाल्टी उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो इतना केयरिंग था कि उसने सबसे पहले चेक किया था कि पानी ठंडा ना हो, क्योंकि आजकल विंटर का सीजन चल रहा था। उसने उसे वार्म वाटर से नहला दिया था। उधर एक दिन ओतो और उसकी मैनेजर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो यही उसी डिस्कशन के बीच में ही एक दूसरे बैंड की मेंबर जिसका नाम एरियल था वो वहाँ पर रोते हुए आ जाती है। वो बहुत बड़ी स्टार थी और उसका इस टाइम पर दिल टूट गया था, और वो रोती हुई आती है और आते ही ओतो को हक कर लेती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। मैनेजर बहुत रोकती है कि तुम्हें मुझे हक करना चाहिए था, इस लड़के के पास क्यों गई हो, लेकिन वो रोते हुए कहने लगती है कि जब दिल टूटा हुआ हो तो एक हैंडसम लड़के का हग ही आपके दिल को जोड़ सकता है। लेकिन मैनेजर भी बहुत जिद्दी थी, वो ओतो से छुड़ाकर खुद को उसके गले लगा लेती है और उसे रोने को कहती है। उधर सौरा आज सारा दिन बाहर आउटिंग पर गई हुई थी। वो बहुत सारे मॉल्स में जाती है और बहुत सारे ब्रांड्स के प्यारे प्यारे कपड़े देखती है, उनकी डिज़ाइनिंग को नोटिस करती है। अब बच्चे तो सारे अपने कामों पर निकल जाते थे, आंटी अक्सर बहुत अकेला फील करती थी तो अक्सर जाती थी और गाना गा के सिंगिंग करके अपना दिल बहलाया करती थी।
आज शाम को जब वो तीनों घर पर वापस आए हुए होते हैं तो सौरव उनको बहुत मजे से बता रही होती है कि आज मैंने कितने स्टोर्स को ऑब्जर्व किया, कितने सारे कपड़े देखे। मैं खरीदना भी चाहती थी लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ देखने में ही मजा लिया। यहाँ पर बातों ही बातों में वो उनको एक ड्रेस का डिजाइन समझाने लगती है और उसकी ड्रॉइंग और डिजाइनिंग इतनी नीट थी कि वो लोग देख कर हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आंटी उसे इनकरेज करती हैं और कहती हैं, तुम आज के दिन का मुझे सबसे फेवरेट ड्रेस बना कर दिखाओ। वो फौरन से बनाने लगती है, उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज, और उसके बाद वो घंटों बैठी यही काम करती रहती हैं। वो तो उसकी डिज़ाइनिंग को देखकर हैरान रह गया था। यहाँ पर आंटी सोचती हैं कि क्यों ना इसे एक डिज़ाइनर के साथ जॉब पर रखवा दिया जाए, और वो डिज़ाइनर उनके बचपन का स्कूल का क्लासमेट हुआ करता था। और फिर हमें उसी डिज़ाइनर को दिखाते हैं, वो बहुत बड़े ब्रांड में काम करता था लेकिन बहुत मुश्किल था कि उसे कोई ड्रेस पसंद आता था, और जो डिज़ाइन उसके दिल को नहीं छूता था वो उसे फाड़ कर फेंक देता था। उधर एक दिन सौरा इसी तरह से बैठी फैशन डिज़ाइनिंग को स्टडी कर रही होती है कि वो तो उसे मशवरा देता है और कहता है कि तुम अपने माइंड से कुछ डिज़ाइन क्रिएट करके क्यों नहीं बनाती। तो उसी टाइम पर सौरा ये काम स्टार्ट कर देती है, और वहीं पर ही बैठे बैठे उसने 4-5 डिज़ाइन बना लिए थे। ये देखकर वो तो हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की जीनियस है, और फिर खुद से ही बातें करने लगता है कि वो इतनी कॉम्पिटेंट है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी अगर उसके लेवल तक पहुंचना है तो। सौरा जब भी डिजाइनिंग करने लगती थी तो उसे समय का पता ही नहीं चलता था, और उसके हैंड्स भी डे बाय डे बहुत क्लीन होते जा रहे थे। आंटी उसके इस टैलेंट से बहुत इंप्रेस थी, तो अपने उसी फ्रेंड से जाकर मिलती हैं और उसे उसकी सिफारिश करने लगती हैं कि उसे ट्रेनिंग पर रख लो। और वो फ्रेंड कहने लगता है कि मैं सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करता, ना तो उसका एक्सपीरियंस है ना ही कोई डिग्री है, मैं कैसे उसे रख लूँ। और उसी टाइम पर हमें घर में दिखाते हैं, वो तो काम करते करते सो गया था, तो सौरा उसके सामने बैठती है और उसी का ही एक स्केच ड्रॉ करने लगती है। उसे बहुत गौर से देख रही थी तो उसे लगने लगता है कि जैसे वो तो बहुत हैंडसम है। उसे एक दो दफ़ा जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो ज़रा भी मूव नहीं कर रहा था, मतलब गहरी नींद में था। तो सौरा इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और किस चोर बन जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे नाश्ते की टेबल पर। यहाँ पर वो तो आंटी को बता रहा होता है कि कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने किस की है। अब उसकी ये बात सुनते ही सौरा के तो हाथ कांपने लगते हैं, इवन के वो गिरते गिरते भी बड़ी मुश्किल से संभलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स चोर की दाढ़ी में तिनका था। इसके साथ साथ वो तो ये भी कह रहा होता मुझे वो किस बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब ये सुनते ही सौरा सोचती है कि इस लड़के को तो मैं इस हरकत पर कभी माफ नहीं करूंगी। हमें मिस्टर क्वान को दिखाते हैं, आंटी का वही फ्रेंड जो जापान का बहुत फेमस ड्रेस डिजाइनर था। आंटी आज सौरा को मिस्टर क्वान से मिलने के लिए लेकर आती हैं। मिस्टर क्वान उसके हाथ के बने हुए सारे डिजाइन देखते हैं, लेकिन वो देखते ही कहने लगते हैं कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सौरा के अंदर छुपे हुए हीरे की पहचान हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम्हें और जॉब्स करनी पड़ेंगी, उसी बीच अगर तुम सीख सकती हो तो तुम्हें चांस दे दिया जाएगा। अब यहाँ से बाहर आकर सौरा आंटी का बहुत थैंक्स करती है। वो कहती है कि बस मुझे एक यही चांस चाहिए था जो आपने मुझे दिलवा दिया है, आगे मैं अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। आंटी बहुत स्वीट थी, वो कहती हैं कि एक समय मुझे पेंटिंग का इसी तरह से शौक हुआ करता था जैसे तुम्हें डिजाइनिंग का है। आंटी हमेशा से लोगों में टैलेंट की बहुत कदर करती थी, और इसीलिए ही वो हमेशा सौरा की भी और ओतो की भी हेल्प करती रहती थी। अब घर पहुंचने के बाद सौरा ओतो के सामने अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करती है कि मिस्टर कौन ने मुझे बहुत पसंद किया और मेरे डिजाइन्स की बहुत तारीफें की, अब देखना मैं एक डिजाइनर बनने जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस फील्ड में मैं एक जीनियस हूँ। वो ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे जेलस कराने के लिए कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें ओतो की टैलेंट मैनेजर को दिखाते हैं, वो जो दूसरे बैंड को संभाल रही थी। उस बैंड में मेंबर मांबो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। वो कहता है कि ये रैंकिंग की रेस मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से कहीं दूर भाग जाऊँ। वो वहाँ पर बहुत रोता है और फिर अपना मास्क उतार कर रखता है और ये फील्ड हमेशा के लिए छोड़ कर वहाँ से जाने लगता है। मैनेजर उसके पीछे बहुत दौड़ती है लेकिन उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो यही कहता हुआ वहाँ से जा रहा था कि इस फील्ड ने सिवाय मुझे डिप्रेशन की और कुछ भी नहीं दिया। इतने में रास्ते में वहाँ से जाते हुए उसे ओतो भी दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन अभी से ही मैं तुम्हें अवेयर कर दूं कि इस फील्ड में आगे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, अगर तुम बच सकते हो तो अभी बच जाओ। अब ओतो ने तो उसकी कोई बात नहीं सुननी थी, वो नहीं सुनता और अपने मैनेजर के पास चला जाता है। उसकी मैनेजर बताती है कि अब छोटे मोटे काम करने की बस करो क्योंकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है। वो लोग आजकल उसके बैंड की दूसरी मेंबर को तलाश कर रहे होते हैं। वो एक लड़की से ऑडिशन लेते हैं
उसकी आवाज बहुत बेसुरी थी, उसे ढंग से गाना भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पीछे बहुत तगड़ी सिफारिश थी, जिसकी वजह से मैनेजर कहती है कि हमें इसे चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्पॉन्सर की रिलेटिव है। लेकिन वो तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, अगर आपने इसी तरह से मेरी मेहनत को रुइन करना है तो फिर मैंने आपके साथ काम ही नहीं करना। अब वो तो सैड सैड सा घर में चला जाता है और वहाँ पर उसे सौरा दिखाई देती है, जो कि आज बहुत खुश थी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसे डिजाइनर के ऑफिस से कॉल आई थी कि वो लोग उसे हायर कर रहे हैं और कल से वो काम पर आ सकती है। लेकिन ओतो की टेंशन भी ज्यादा देर की नहीं थी, थोड़ी देर बाद उसे मैनेजर कॉल करती और कहती है कि मैंने भी बगावत का फैसला कर लिया है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगती है। अब वो छुट्टी वाले दिन वहाँ पर ओतो को बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए साथ में एक फ्रेंड को बुलाने को कहती है। मैनेजर ने खुद से एक बहुत अच्छी सी आवाज वाली सिंगर को अरेंज कर लिया था, वो सिर्फ एक डेब्यू दिखाना चाहते थे। वो इनडायरेक्टली वहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे किसी शूट की तैयारी चल रही है और वही गाना बजाते हैं जैसे ओतो का था। उन्हें मालूम था कि पूरे 11 बजे सीईओ ने वहाँ पर पहुँचना है। अगर सीईओ को वो गाना उस आवाज में अच्छा लगने लग जाता तो फिर कोई भी उनको नहीं रोक सकता था एक अच्छी आवाज की तलाश करने में। यहाँ पर सौरा भी उनकी काफी हेल्प करती है। अब वो तो के गाने को एक अच्छी आवाज के साथ सीईओ ने अप्रूव कर दिया था और इसी खुशी में वो लोग रात को सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे डिनर करके। एक दफा ओतो का फोन वहीं पर पड़ा हुआ होता है तो सौरा देखती है कि उस पर सारा की कॉल आ रही है। ये वही स्कैमर गर्ल थी जिसकी सारी डिटेल्स ओतो ने सौरा को पहले ही बताई हुई थी। उसे समझ आ जाती है कि इसे इस वक्त किसी फ्रेंड की जरूरत है, तभी तो इसने कॉल की है। ओतो उस समय नहा रहा था तो सौरा गलती से वो कॉल को उठा लेती है और उसके बाद वो सारा से थोड़ी देर बातें करती है। वो उसकी हिम्मत बंधाती, उसे समझ आ गई थी कि इस वक्त लाइफ के बहुत डार्क मोमेंट से गुजर रही है। सौरा को हमेशा से ही मुश्किल में फंसे हुए लोगों की हेल्प करना और उनकी हिम्मत बढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके खुद पर भी बहुत डिफिकल्ट टाइम गुजरे हुए थे। सौरा को सौरा से बात करके काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो, क्या मैं तुम्हें कभी कभी कॉल कर सकती हूँ, और बस इसी तरह से वो दोनों अपना फोन नंबर शेयर कर लेती है। लेकिन आज सौरा कुछ बचपन की यादों को याद करके बहुत सैड हो जाती है। एक्चुअली वाकई उसकी मम्मी मैडम आसागी ही थी, उसको पेरिस से डिजाइनर बनने की ऑफर हुई थी। नानी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी कि तुम्हारी छोटी सी बेटी है, उसकी सिर्फ एक ही मॉम है और वो तुम हो, लेकिन मैडम आसागी का कहना था कि ये चांस 1,00,000 लोगों में से एक को मिलता है और वो लकी पर्सन मैं हूँ, मैं ये चांस गिव अप नहीं करूंगी। और नानी ने अपनी बेटी को डिसऑन कर दिया था और कहा था इस शर्त पे तुम्हें जाने दूंगी कि तुम लौट कर कभी नहीं आओगी। और बस उसके बाद क्या होना था, बेचारी सौरा को एक टॉयलेट में छोड़कर उसकी मम्मी वहां से गायब हो जाती और हमेशा के लिए पेरिस चली गई थी। सौरा को आज इन्हीं यादों की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती, तो वो नीचे जाकर लिविंग एरिया में देखती है, वो तो भी थक हार के वहीं सोया हुआ था। वो भी उसके पास ही पिलो रख लेती है और उसे जगाकर उससे कुछ दिल की बातें करने लगती है। वो तो इतना स्वीट था, ऑल्दो से इतनी नींद आई हुई थी और सौरा उसे बार बार अपने पैरों से या हाथों से छेड़े जा रही थी, वो फिर भी उसे नहीं डांटता और इन द एंड उसे काम डाउन कराकर वही भरी सुला देता है। अब नेक्स्ट डे सौरा ऑफिस में जाती है, उसके ऑफिस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर मिस्टर कौन बहुत ज्यादा गुस्से के तेज थे, वो हर बात पर अपने एम्प्लॉयज को डांटते थे, वो अपनी गलती भी हमेशा दूसरे लोगों पर डालते रहते थे। यहाँ पर सौरा को बहुत सारा काम करना पड़ता है, सबके लिए कॉफी बनानी और जॉब्स करनी, सफाइयाँ करनी, चीजों को मैनेज करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती बल्कि दिल से वहाँ पर काम करती रहती है। एक दिन सौरा को ऑफिस में बहुत लेट नाइट हो जाती है तो वहाँ पर उसका कोलीग मिस्टर हाजुकी देखता है कि सौरा बहुत मेहनत कर रही है। शूज के बॉक्सेस के ऊपर वो उनकी फोटो बनाकर पेस्ट कर रही है ताकि कभी भी ढूंढने में दिक्कत ना हो, और इसके साथ साथ उसने हर मटेरियल को, हर डिजाइन को कोई ना कोई नेम और नंबर दिया हुआ था। मिस्टर हाजुकी यहाँ पर उससे काफी दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों विंडो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस के डिजाइन को और उनकी कलर स्कीम को स्टडी भी करते हैं। मिस्टर हाजुकी ने यहाँ पर सौरा को एक गिफ्ट भी दिया था और वो था उनकी अपनी कंपनी का बनाया हुआ एक डिजाइन। वो वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो मिस्टर हाजुकी को ही मिल गया था। उधर हमें ओतो को दिखाया जाता है, वो अपनी मैनेजर के साथ एक जगह डिनर के लिए आया हुआ था और उसकी मैनेजर ने यहाँ पर उसे एक डीवा से इंट्रोड्यूस करना था जो उसकी सिंगर बनेगी, उसके बैंड की दूसरी मेंबर। अब इत्तफाक से यहीं पर ही डिनर करने के लिए हाजुकी और साथ में सौरा भी आ जाते हैं और मैनेजर उन दोनों को इकट्ठे देखते हुए कहने लगती है कि ये दोनों लगता है डेट पर आए हैं और एज अ कपल बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब ये सुनते ही ऑफकोर्स ओतो को बहुत ज्यादा जलसी होने लगती है। इतने में वहाँ पर एरियल आ जाती है, वही बहुत बड़े बैंड की आइडल मांबो की पार्टनर। यहाँ पर उसे देखते ही सारे उसके फैंस इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सौरा को कहीं ना कहीं काफी जलसी हो रही थी और ये बात मिस्टर हाजुकी ने भी फील की थी और वो समझ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के ओतो पर तुम्हारा क्रश है।
लेकिन सौरा तो बात को टाल देती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वो अपने ऑफिस में वही ड्रेस पहन कर जाती है जो हाजुकी ने उसे दिया था। मिस्टर कौन ने फील किया था कि सौरा बहुत काम की लड़की है, उनकी बहुत सारी डिफिकल्टीज उसने अपने दिल से काम करने की वजह से सॉल्व कर दी थी। इसके साथ साथ वो देखती है कि उसे एक पैटर्न खराब हो जाता है, जिसके बाद वो खुद ही उसे सॉर्ट आउट करके रखने लगती है। मिस्टर कौन की नज़र पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं, कहते हैं कि ये पैटर्न मुझसे भी ज्यादा बेटर फॉर्म में किसने अरेंज किया है। और जब सौरा का नाम सुनते हैं तो हैरान से भी ऊपर शॉक रह जाते हैं। इतने में उसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मैडम आसागी की बेटी है। आसागी वर्ल्ड फेमस डिजाइनर थी और उसके नाम से तो हर कोई इम्प्रेस होता था। वो यही बात जाकर आंटी से भी करते हैं। आंटी के लिए भी ये न्यूज़ शॉकिंग थी और वो हैरान भी थी कि सौरा ने ये सारा कुछ क्यों छुपाया हुआ है। और साथ ही साथ उनको ये भी पता चलता है कि सौरा के डैड भी एक बहुत बड़े फेमस पेंटर थे, लेकिन उनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी। इसका मतलब है कि वो दो जीनियस ब्रेन्स की बेटी है, इसीलिए तो वो इतनी टैलेंटेड है। अब जब आंटी घर आती हैं तो देखती हैं कि सौरा काम करते करते बाहर ही सो गई है, तो वो ओतो को ऑर्डर करती हैं कि इस बच्ची को आराम से उठाओ और इसके बेड में जाकर सुला दो। पहले तो ओतो काफ़ी शर्माता है और उसके बाद वो बहुत प्यार से सौरा को उठाता है और उसके कमरे में उसके बेड पर लिटा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं पर काफ़ी देर खड़ा रहता है क्योंकि वो बार बार अपने ऊपर से कवर हटाए जा रही थी। उसकी सिंगर एरियल आज अपना नया हेयर स्टाइल लेकर उसके पास आई थी और वो कहती है कि मैं अपना नाम चेंज करके सोए स्टेज नेम रखना चाहती हूँ, जो कि बाकी सबको बहुत पसंद आया था। उधर सौरा के ऑफिस में एक दफा मिस्टर हाजू की बातों बातों में उससे कहते हैं कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मैडम आसागी की बेटी हो। अब ये सुनकर सौरा सरप्राइज भी काफ़ी हुई थी, लेकिन आगे से कहती है कि इसमें प्राउड की कोई बात नहीं क्योंकि मैं मैडम आसागी से नफरत करती हूँ। एक्चुअली मिस्टर कौन आजकल ज़्यादा ही अपसेट थे और उसकी वजह ये थी कि पेरिस फैशन वीक के लिए उनसे कोई भी डिज़ाइन रेडी नहीं हो रहा था, उनको कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा होता। इतने में वो रात में 2 बजे अपने एक असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखा हुआ है। उन्हें एक आइडिया आया था लेकिन वो तो सोया होता है। और उसके बाद वो कॉल मिलाते हैं सीधी सौरा को। सौरा तो सुनकर इतनी एक्साइटेड होती है कि रात के 2 बजे ही वो ऑफिस में पहुँच जाती है और आकर मिस्टर कौन की हेल्प करने लगती है। अब उसके इस पैशन ने और उसके नए नए डिज़ाइंस ने और उसकी खुद की स्टडी करने की मेहनत ने मिस्टर कौन का दिल कहीं ना कहीं जीत लिया था। वो फैसला करते हैं कि अपने एक क्लाइंट को इसके हवाले कर दिया जाए और देखते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन बनाती है। इस बात पर वहाँ के पुराने बहुत सारे मेंबर्स बहुत जेलस होने लगते हैं। आज उनके फैशन स्टोर में एक सुपरस्टार आता है जो कि किसी इंजरी की वजह से आजकल व्हीलचेयर पर था और उसने अपने लिए कुछ स्पेशल ड्रेसेस डिज़ाइन कराने थे। वो उनको अपना इशू बताने लगता है कि कैसे व्हीलचेयर पर बैठे बैठे उसकी पैंट्स पर रिंकल्स बन जाते हैं। अब सौरा आगे बढ़ती है और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। सौरा की वैसे भी उनसे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि दोनों का डायलैक्ट सेम था, वो लोग दोनों ही रिमोट एरिया से आए थे। सौरा वहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं डरती बल्कि सीजर्स यूज़ कर लेती है अपने बॉस के बनाए हुए डिज़ाइन पर और फिर उससे एक नया डिज़ाइन बना देती है और ये डिज़ाइन उस सुपरस्टार को बहुत पसंद आया था। लेकिन यहाँ पर एक जेलस वाली मेंबर आ जाती है और उन दोनों एम्प्लॉयज़ की आपस में लड़ाई होने लगती है। एक कैट फाइट में बदल गई थी और उनके ब्रांड का बहुत इमेज ख़राब होता है। अब सौरा बेचारी शाम को अपनी यही दुख भरी कहानी आंटी को और ओतो को सुना रही होती है। कहती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और इस शर्त पर मैं वापस जा सकती हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक बेस्ट सा डिज़ाइन बनाकर उनको दिखाऊं। अगर ना बना सकी तो फायर ही समझो। अब सौरा अपनी पूरी पूरी मेहनत कर रही होती है एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए जो मिस्टर कौन को इम्प्रेस कर सके। जबकि उधर एरियल आजकल सोए बनकर ओतो के साथ काम कर रही होती है। उसकी मैनेजर कहती है कि इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये मांबो से बहुत अटैच थी और अब इसका दिल भी टूटा हुआ है। और इसके साथ साथ वो ये भी इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें पता है इसे लंबे बाल बहुत पसंद थे क्योंकि मांबो को पसंद थे और इसने तुम्हारी खातिर बाल भी कटवाए हैं लाइफ में पहली दफा, इसीलिए तुम्हें भी अपना बेस्ट देना है और बैंड में दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम करना है। अब वो तो इस बात को बहुत सीरियस ले लेता है और अपने बैंड का एक नाम भी सोच लेता है जिसका नाम था बीट्स पर मिनट। और वो बातों बातों में सौरा से वादा करता है कि तुम्हारी हार्ट बीट रेट के अकॉर्डिंग भी एक दिन मैं एक जरूर गाना बनाऊंगा जो कि स्पेशली मेरे दिल से तुम्हारे दिल की तरफ होगा। अब उसके बाद शाम को वो लोग डिनर बनाते हुए काफी इंजॉय करते हैं, बबल्स से खेलते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं क्योंकि उनको लगता था कि उनका कैरियर अब सीधे रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ पर सौरा थोड़ी सी सैड होती है और पूछती है कि जब तुम बहुत फेमस हो जाओगे, आइडल बन जाओगे, तो क्या तुम हमें छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। लेकिन आगे से वो तो जवाब देता है कि तुमसे दूर मैं कभी भी नहीं जा सकता।
अब नेक्स्ट डे उनकी रिकॉर्डिंग का दिन था, लेकिन सोए तो आई ही नहीं थी, ना ही वो किसी की कॉल उठा रही होती है। इतने में ओतो को कॉल आती है और सोए उसे सॉरी करती है और बताती है कि मैं मामबो के पास हूँ। मामबो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था अपने रूरल एरिया में जाकर, और वो कहती है कि मामबो ही मेरे दिल की धड़कन है और हम दोनों ने शादी का फैसला किया है, उसने इंडस्ट्री छोड़ी तो मैं भी छोड़ रही हूँ। ओतो को सिर्फ बेस्ट विशेस देती है और खुद उसके रास्ते से हट जाती है। यहाँ पर मैनेजर कहती है मुझे पहले ही शक था। वो तो हैरान था, तो मैनेजर बताती कि एक्चुअली उसने बाल कटवाए ही नहीं थे, वो सिर्फ विग थी। मतलब कि इस सारे समय उसका दिल सिर्फ और सिर्फ मामो के लिए ही धड़कता था। उधर सौरा बेचारी भी बड़ी परेशान थी क्योंकि उसे कोई भी अच्छा सा डिजाइन क्लिक नहीं कर रहा था। इतने में वो घर के करीब एक पार्क में बैठी हुई होती है। यहाँ पर ओतो उसे मैसेज करके बताता है कि मेरी डीवा तो भाग गई है। अब ये सुनकर सौरा को हंसी भी आ रही थी और उसके लिए बुरा भी फील हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ये कह रहा हो कि मेरी ब्राइड भाग गई है। इतने में यहाँ पर सौरा एक लड़की को कुछ बच्चों को गाना सुनाते हुए देखती है। उस लड़की की आवाज अमेजिंग थी। अब ये देखते ही उसे ख्याल आता है कि ओतो को भी तो एक सिंगर की तलाश है, तो वो फौरन से ओतो को वहीं पर ही बुला लेती है। ओतो भी जब उस लड़की का गाना सुनता है तो सुनता ही रह जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी, वो स्कैमर गर्ल जो पहले दिन ओतो को लूटने के लिए आई थी। हमने देखा था कि ओतो और सारा को अब सारा मिल जाती है, और जब वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो देखकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि फोन पर उनकी ठीक ठाक दोस्ती थी और एक दफा बात भी हुई थी। ओतो तो ये सब सुनकर सरप्राइज था क्योंकि इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था, सारा ने उसे जिक्र भी नहीं किया था। अब ओतो उसकी वही गाना गाने की वीडियो जाकर अपने मैनेजर को दिखाता है। उसकी मैनेजर तो हैरान रह गई थी, जबकि उधर सौरा उसने जब सेरा को पहली दफा देखा था तो वो कहती है कि उसकी आवाज भी इतनी सुंदर है और इसके साथ साथ वो काफी प्रीटी भी है, बस उसे थोड़ी बहुत ग्रूमिंग की जरूरत है। सौरा को भी अपना ड्रेस बनाने के लिए एक्चुअली किसी मॉडल की जरूरत थी जिसे माइंड में रखकर वो डिजाइनिंग करे, तो यहाँ पर उसे यही क्लिक करता है कि क्यों ना ओतो के नए गाने के लिए उसी की ही डीवा का वो ड्रेस डिजाइन करे। तो अब ओतो और सौरा दोनों सेरा के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या तुम ओतो के लिए गाना गाओगी और क्या मैं तुम्हारा ड्रेस डिजाइन कर सकती हूँ। सेरा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि क्या मेरे जैसी लड़की किसी बैंड में शामिल हो सकती है, क्या एक्सेप्टेबल होगा। वो एक्चुअली बहुत हम्बल थी और इसके साथ साथ काफी पुअर भी। एक दो दफा उसने स्कैम करने की भी कोशिश की थी जिसकी वजह से वो अब काफी शर्मिंदा थी। अब वो सारे मिलकर इकट्ठे मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर उस लड़की को समझाती है कि देखो सारा तुम्हें काफी टैलेंट है और यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से बेसुरे भी फिर रहे हैं, इसलिए तुम खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। और फिर मौका पाते ही सौरा रिक्वेस्ट करने लगती है कि इनकी म्यूजिक वीडियो में जो ड्रेस सेरा ने पहनना है वो प्लीज मुझे डिजाइन करने दें, और इस बात की उसको भी परमिशन मिल जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। सेरा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उधर सौरा को भी बैठे बैठे एक चीज क्लिक कर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने किस तरह का डिजाइन बनाना है। उधर हमें मिस्टर क्वान को दिखाते हैं जो कि आजकल बिल्कुल रेडी थे। पेरिस फैशन वीक में वो अपने बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जाने वाले थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सौरा की कमी भी फील होती थी और वो उसका हालचाल दूसरे लोगों से अक्सर पूछते रहते थे। और मिस्टर हाजुकी के थ्रू उनको ये भी पता चल गया था कि उसका नया डिजाइन कौन सा होने वाला है। अब वो हाजुकी को यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जाकर वो सौरा की पूरी पूरी हेल्प करे और जहाँ पर भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो जाकर उसकी मदद करे। हाजुकी सौरा को यही मशवरा देता है कि तुम जितने बड़े सपने देख सकती हो देखो, तुम किसी से कम नहीं हो, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इसके अंदर टैलेंट है और नेचुरल टैलेंट होना गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सौरा एक दिन अपना रॉ ड्रेस सेरा को पहना कर देखती है और वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। अभी उसके ऊपर और भी बहुत सारी डिजाइनिंग करनी थी जिसके लिए बहुत मेहनत चाहिए थी, और इसके लिए उसके फ्रेंड्स भी आते हैं हेल्प करने के लिए और अक्सर आंटी भी कराया करती थी। इसी बीच सौरा ने एक चीज नोटिस की थी कि ओतो और सेरा दोनों काफी क्लोज हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। ये चीज उसे कहीं ना कहीं जेलस करती थी। फिर एक दिन मैनेजर ओतो से एक बात पूछती है। वो कहती है कि थोड़ी सी वियर्ड बात है, सेरा हर टाइम पर अपने बाएं हाथ में एक ब्रेसलेट पहनी रखती है, क्या इसके पीछे कोई राज तो नहीं। और वाकई एक राज था। सेरा ने वहाँ पर अपनी रिस्ट काटने की कई दफा कोशिश की थी और उसी के ही स्कार्स वहाँ पर मौजूद थे। अब एक दिन आंटी के घर पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, सौरा के फ्रेंड्स जो उसकी हेल्प करा रहे होते हैं। यहाँ पर एक दफा सेरा साइड पर जाती है तो ओतो भी उसके पीछे पीछे जाता है। ओतो को पता था कि उसकी रिस्ट पर कोई ना कोई निशान है और उसको अंदाजा भी था कि इसने कई दफा सुसाइड की भी अटेम्प्ट की है। वो जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि तुम ये सब कर सकती हो और एज अ फ्रेंड तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। उसी समय हमें सौरा को दिखाते हैं, वहाँ पर सारे थे लेकिन वो दोनों मिसिंग थे। वो दोनों कितने क्लोज हैं और इस वक्त अकेले में हैं, ये सोचकर ही उसकी सारी बॉडी चिल कर जाती है, लेकिन वो कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ओतो के रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती।
वेल फाइनली वो ड्रेस रेडी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हर कोई उसके ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन सारा थोड़ी घबराई हुई थी। अपने स्कार्स छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कवरेज भी काम नहीं कर रही थी। अब जैसे ही शूट स्टार्ट होता है तो वो फोकस नहीं कर पा रही थी, बल्कि उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई उसका स्कार देख लेगा। और यही छुपाने की कोशिश में वो इतनी नर्वस होती है कि शूट छोड़कर भाग जाती है। अब वो अकेले में रोने लगी थी, लेकिन यहाँ पर ओटो और सौरा उसके पास आते हैं। वो उनको बताती है और दिखाती है। ये सब उसके साथ बचपन के टाइम से हुआ था। वो जब भी डिप्रेशन में जाती थी ऐसी हरकतें करती थी, क्योंकि अपने अलावा उसका किसी और पर बस नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पर ओटो और सौरा कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं और हम हर मुश्किल टाइम में तुम्हारे साथ खड़े हैं। सौरा को काफी खुशी होती है कि अब फाइनली उसने ट्रू फ्रेंड्स को पा लिया था। और फिर उसके बाद सौरा उसके लिए उसके ड्रेस से मैचिंग एक ब्रेसलेट डिजाइन करती है, जो पहनकर वो अपना शूट कराती है। और उसका ये शूट बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस शूट में सौरा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और सौरा उससे बहुत इंप्रेस दिखाई देती है। उन दोनों की काफी दोस्ती भी हो गई थी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। सौरा आर्ट में बहुत अच्छी थी और वो एक चॉकलेट के कवर से उसे एक छोटा सा डिजाइन भी बनाकर दिखा दिया, जो सौरा को बहुत क्यूट लगा था और उसने फ्रेंडशिप के निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। और फिर नेक्स्ट ही सीन में हमें पता चलता है कि इस बात को एक हफ्ता गुजर गया है और उनकी ये वीडियो वायरल गई थी। 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे और वो रैंकिंग में भी बहुत अप जा रही थी। और मिस्टर कौन, उनको वो ड्रेस बहुत पसंद आया था जो सौरा ने डिजाइन किया था, और वो कहते हैं कि प्री पेरिस फैशन वीक में हम इस डिजाइन को शामिल कर लेंगे। ये सुनकर सौरा को इतनी खुशी हुई थी कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उधर मैनेजर ओटो और सौरा को कहती है कि तुम दोनों बहुत लकी हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहला ही गाना इतना हिट चला जाता है। और अब तुम लोगों को अपने काम पर फोकस करना होगा, हर किस्म की कंट्रोवर्सी से बचना होगा, तो उसके आगे बस सक्सेस ही सक्सेस है। फिर हमें सौरा को दिखाते हैं वो अपनी नानी को कॉल करती है, उनको बताती है कि वो एक बहुत बड़े ब्रांड में फैशन डिजाइनर बन गई है। लेकिन नानी की बहुत बुरी बुरी यादें जुड़ी हुई थी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, उन्हें हमेशा अपनी खोई हुई बेटी याद आने लग जाती थी। तो आज वो सौरा से भी बात नहीं करती, बल्कि फोन काट देती है। उसके बाद जब सौरा घर वापस जाती है तो वो तो ओटो का सॉन्ग देख देख कर खुश हो रही थी। लेकिन ओटो यहाँ पर उसको एक न्यूज़ देता है, और वो ये थी कि वो जल्दी इस घर से मूव आउट कर रहा है। उसकी कंपनी ने उसे एक अपार्टमेंट लेकर दिया था। सौरा इतनी जल्दी इतने बड़े चेंज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो अपसेट हो जाती है और वो तो आंटी को इसकी वजह भी बताता है, और वो ये थी कि वो यहाँ पर एक लड़की के साथ रह रहा है और वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सौरा को बहुत बुरा फील होता है। एक लम्हे वो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन जैसे ही पॉपुलैरिटी मिली वो सिर्फ एक लड़की बन के रह गई जो उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। लेकिन वो चुप रहती है, अपने दिल की बात अपने दिल में दबा लेती है। नेक्स्ट डे जब ओटो आता है तो सौरा एक पेंटिंग बना रही थी जो वो कहती है तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ओटो खुश होता, लेकिन सौरा साथ में ये भी कहती है कि ये हमारे फेयरवेल की निशानी है। अब इस बात ने ओटो को सैड कर दिया था। ओटो उससे बात करना चाहता था, लेकिन सौरा कहती है कि नहीं भाई, इतने बड़े स्टार से मैं कैसे बात करूं? मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं, और तुम इतने हैंडसम हो कि मुझे ब्लाइंड ही कर दोगे। अब सौरा ने काफी सारा टॉन्ट कर लिया था, तो उसके बाद वो उस पेंटिंग की हिस्ट्री बताती है और दिखाती है कि जब लास्ट डे मैंने अपनी मम्मी के साथ एक दिन गुजारा था, तो उस दिन वो मुझे इसी तरह की एक फील्ड में लेकर गई थी जिस तरह की आज उसने ड्राइंग बनाई है। और इन फ्लावर्स से हमेशा उसे फेयरवेल ही याद आता है, अपनी मम्मी से लास्ट मुलाकात। और अब उसने यही फेयरवेल की निशानी ओटो को भी दी थी, क्योंकि यही से ही उनके रास्ते अलग होते थे। यहाँ पर ओटो उससे कहता है कि देखो बेशक मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं जितना भी पॉपुलर हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वही ओटो रहूंगा। ना मैं बदलूंगा और ना ही हमारा रिलेशनशिप, मेरा विश्वास करो। आज की शाम वो दोनों इकट्ठे बिताते हैं। सौरा कंप्यूटर पर फायरवर्क्स देख रही होती है, लेकिन ओटो कहता है मैं सिर्फ इसकी आवाज से इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो दोनों लेट कर इमेजिन करने लगते हैं कि जैसे ओटो और सौरा दोनों किसी फील्ड में लेटे हुए फायरवर्क्स देख रहे हैं, और वो भी इकट्ठे। उन्होंने क्या कपड़े पहने होंगे, वहाँ का कैसा मौसम होगा, ये सब कुछ वो अपनी इमेजिनेशन में देखने लगते हैं। सौरा सोचती है कि क्या ऐसा दिन वाकई में आएगा कि हम दोनों इकट्ठे होंगे और फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ओटो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ, और ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। दिखाते हैं कि ओटो और सौरा के पास उनकी मैनेजर आती है और बताती है कि उनकी पहली दफा टीवी शो में अपीयरेंस होने वाली है, मतलब कि वो लोग टीवी पर पहली दफा अपना डेब्यू करने लगे हैं। उधर सौरा भी आज बहुत खुश थी, उसका डेब्यू तो हो चुका था, क्योंकि एक मॉडल उसी का ही ड्रेस पहने एक फैशन शो में अपीयर होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओटो भी उसको ये न्यूज़ बाद में बताता है, तो वो उसके लिए भी खुश हो जाती है, और साथ ही साथ में ये भी ऑफर करती है कि क्यों ना उस शो में अपीयरेंस के लिए वही उसका और सौरा का ड्रेस डिज़ाइन करे। ओटो आजकल अपनी तैयारियां भी कर रहा होता है, क्योंकि जल्दी उसने घर से मूव आउट कर लेना था। और उसके बाद सौरा को पता चलता है कि उसका ये ड्रेस इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि मिस्टर कौन ने उसे कहा है कि
कि वो चाहते हैं कि वो एक अपनी खुद की कलेक्शन भी बनाए। अब सौरा की खुशी की कोई हद नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं सैड भी थी, क्योंकि ओतो ने दो दिन बाद मूव आउट कर जाना था। और आंटी भी सैड हो रही थी, क्योंकि उनको लगता था घर की सारी रौनक अब जा रही है। आखिरी दो दिन भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, इकट्ठे लिविंग एरिया में बैठकर काम भी करते रहते हैं और थक कर वहीं पर ही सो जाते हैं। आंटी को भी आइडिया हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों लव बर्ड्स लगते हैं, और उन्होंने उन्हीं को ही माइंड में रखकर एक पेंटिंग भी बनाई थी। मिस्टर ग्वान आजकल काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शायद उनकी उम्र बढ़ रही थी, इसी वजह से उनको कोई आइडिया क्लिक नहीं करता था। और अब वो पहले जैसे स्मार्ट नहीं रहे थे फैशन की फील्ड में जैसे वो पहले हुआ करते थे, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम है। उधर आंटी एक दिन ओतो के साथ एक शरारत करती हैं, लेकिन ओतो को लगा था कि ये सौरा है, और वो आंटी को कोई रोमांटिक बात कहने लगता है कि आंटी उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि ये बात तुम सौरा को कहना तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक एडवाइस करती हूँ कि तुम जल्दी मूव आउट करने वाले हो, एक दिन है, ज़रूर उससे ये बात कर लेना। आंटी को लगा था कि ये उसे आई लव यू बोलने वाला था। और सौरा ने भी अपनी कलेक्शन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसने अपनी कलेक्शन का नाम रखा था डोंट रिमेंबर डेज, रिमेंबर मोमेंट्स। और ये सारा कुछ वो क्रिएट कर रही थी ओतो को अपने माइंड में रख के। उसकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की थी, और ऐसा लगता था कि जैसे उसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो एक फैशन डिजाइनर बने। ओतो यहाँ पर सौरा को बताता है कि मुझे एक ईमेल मिली है, और वो ईमेल मैडम आसागी की तरफ से है, यानी कि सौरा की मम्मी की तरफ से। उन्होंने भी वो सॉन्ग देखा था, और ओतो के सॉन्ग में सारा ने जो ड्रेस पहना था उसने उन्हें बहुत इम्प्रेस किया था। वो ये कहती हैं कि जिस डिज़ाइनर ने ये बनाया है, अगर वो मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहे या उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो मैं उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो उस ड्रेस डिज़ाइनर के टैलेंट को एडमायर कर रही थी। सौरा को बहुत गुस्सा आता है, वो फौरन से वो मैसेज डिलीट कर देती है, क्योंकि उसमें उसकी मम्मी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी था। लेकिन डिलीट होने से पहले ओतो ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। वो कहता है कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े तो तुम उसे आकर ले लेना। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा अपसेट कर देने वाला था। ये देखकर सौरा का मूड ख़राब हो जाता और ओतो उससे अपने दिल की बात नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे उसने मूव आउट कर जाना था। अब सौरा भी बार बार अपनी मम्मी को याद करके बहुत रोती है, और ऊपर जाकर वो ओतो से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती है कि वो सो चुका होगा। लेकिन ओतो सोया नहीं था, वो भी उसी की पेंटिंग को बार बार देखे जा रहा था। अब नेक्स्ट डे ओतो घर से मूव कर जाता है। वो अपना सारा सामान एक पिकअप ट्रक में रखवाता है। आंटी तो अपने काम पर जा चुकी थी। ओतो को लगता था कि सौरा तो अभी तक सो रही होगी, वो इस वक्त कभी भी नहीं जागती। लेकिन वो उसे आवाज देती है, और वो विंडो में खड़ी हुई थी। उसने एक पोस्टर भी रखा हुआ था, और वो उसे बहुत अच्छे से गुड बाय करती है और बताती है कि वो हमेशा उसके दुख और सुख के साथ ही रहेगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और उन्हीं मोमेंट्स को याद करने लगती है जैसे उसने एक दफा विंडो में खड़े होकर उससे उसका नाम पूछा था। वो आज भी वही दोहराने लगती है। ओतो का नाम पूछकर उसे अपना भी नाम बताती है, और फिर बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ उसे गुड बाय कर देती है। ओतो को ये सारा कुछ बहुत स्पेशल लग रहा था। सौरा का दिया हुआ फेयरवेल उसके दिल को छू जाता है, और वहां से जाते हुए वो सारा रास्ता रोता रहता है। अब सौरा भी सैड थी, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए वो काम करना स्टार्ट कर देती है। उसने अपनी कलेक्शन पर बहुत सारा काम कर लिया था, जबकि थोड़े दिनों बाद फिर ओतो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। वो एक दिन सैरा के साथ कुछ लिरिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था कि सैरा के लैपटॉप में वो सौरा की बहुत सारी फोटोज देखता है। सैरा ने क्यों सौरा की इतनी सारी फोटोज रखी हुई थी, ये बात उसे बहुत वियर्ड लगती है। लेकिन इतने में मैनेजर उन दोनों को एक काम से बुला लेती है, और वो बात नहीं कर सकते। उधर मिस्टर हाजुकी को एक दिन सौरा अपनी वही कलेक्शन दिखाती है। वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो इतनी टैलेंटेड होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो सोचता है कि ये वाकई मैडम आसागी की बेटी है। और इसके बाद वो दोनों सीधा जाते हैं ओतो से मिलने के लिए, और उसकी टैलेंट मैनेजर को यही कहते हैं कि हम इन दोनों का ड्रेस डिजाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर हाजुकी सौरा को लेकर काफी मजाक करता रहता है, जिसकी वजह से ओतो डिस्टर्ब हो गया था। और सौरा ने फील किया था कि जैसे वो पहले जैसा नहीं रहा। आज बहुत दिनों बाद उसने उसे देखा था, और उसे लग रहा था कि वो उससे दूर दूर हो गया है। अब सौरा के वापस चले जाने के बाद सारा यही बात ओतो से भी करने लगती है, और कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे हाजुकी उसे लाइक करता है, या फिर शायद सौरा भी करती हो, क्योंकि वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। और ये बात ओतो का मूड ऑफ कर देती है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। मिस्टर कॉन बहुत लेट नाइट ऑफिस में रहते थे, क्योंकि वो परेशान थे। एक दिन उन्हें वहां पर सौरा का पोर्टफोलियो नजर आता है, जो कि वो वहीं पर भूल गई थी। उसमें उसने कलेक्शन के ऊपर जो चीजें बनाई हुई थी वो डिजाइन देख देख कर वो हैरान रह जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सौरा आती है और अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे रियलाइज होता है कि उसका पोर्टफोलियो वो तो ऑफिस में ही रह गया था। वो ज्यादातर घर पर ही काम करती थी, लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहां पर देखती है कि मिस्टर कॉन ने उसके सारे डिजाइन इवन के उसका टाइटल भी चुराया हुआ था।
वो मिस्टर कौन से पूछने लगते तो वो कहते हैं कि ये कलेक्शन अब मेरी हुई। ये हमारी इंडस्ट्री का रूल है, हमेशा असिस्टेंट्स अपने चीफ एडिटर को डिजाइन देते रहते हैं और वो इसके बदले उनको सक्सेस दिलाते हैं। सारा तो मान नहीं रही थी, वो प्रोटेस्ट करती है तो मिस्टर क्वान कहते हैं कि तुम असागी की बेटी हो, वाकई तुम्हारे हाथ बताते हैं। और फिर उसके सामने नील डाउन होते हैं और कहते हैं कि अपने डिजाइंस मुझे दे दो। सौरा हैरान हो गई थी, उसने उनका ये रूप कभी भी नहीं देखा था। इतने में कोई आता है और उनको अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एक और कोलीग भी बैठा हुआ था और वो सौरा को कहता है कि ये बहुत आम सी बात है, ये हम सबके साथ हुआ है। लेकिन सौरा के लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो कहती है कि मेरी मेहनत है, मेरे आइडियाज हैं, मैं इसे किसी को भी चोरी नहीं करने दूंगी। और उसके बाद वो रोती हुई वहां से बाहर चली जाती। बार बार ओतो को कॉल करती है, वो नहीं उठाता, तो सारा को मिलाती है, उससे पूछती है ओतो कहाँ है। सारा को समझ आ गई थी कि ये परेशान है। वो उसे बताती है कि वो एक मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद फ्री होगा। सौरा अब बहुत रोती है और फौरन से जाती है ओतो के ऑफिस में। वो हर हालत में उसे मिलना चाहती थी, उसे ये सब शेयर करना चाहती थी। उसकी मैनेजर ने भी देख लिया था कि ये बहुत परेशान लग रही है और स्नोफॉल में पूरी तरह भीगी हुई भी थी। वो उसे ऊपर जाने को कहती है कि वो लोग फ्री हो गए होंगे। अब थोड़ी देर तो सौरा वहीं पर बैठी उनका वेट करती रहती है, फिर हिम्मत करके अंदर जाती। उसे ओतो नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि पूरा का पूरा ऑफिस खाली है और यहाँ पर ओतो और सारा ने एक दूसरे को हग किया हुआ है। अब ये देखते ही उसका दिल टूट जाता है। एक पहला हादसा और ऊपर से ओतो के ऊपर से भी उसका विश्वास हट गया था। वो भागती हुई जाती है। वो कभी भी नहीं दिखाना चाहती थी ओतो को कि ये सब उसने देख लिया है। वो बस नॉन स्टॉप रोती हुई वहां से चली जाती है कि कभी ओतो को पता ना चले कि मैं यहाँ पर आई थी और मैंने क्या देखा था। अब सबसे पहले तो उसकी मम्मी उसे बचपन में छोड़ गई, उसके बाद श्वेता ने उसका दिल तोड़ा, उसके डिजाइन चोरी कर लिए गए और अब ओतो भी किसी और का हो चुका है। ये उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेरा सौरा और ओतो को लेकर बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी और इसीलिए वो कुछ प्लान करने लगती है। सौरा के साथ उसकी एक फोटो थी जो वो क्रॉप करती है और फिर ओतो को वही फोटो दिखाने लगती है और बताती है कि सौरा तुम्हें भी बार बार कॉल्स कर रही थी और इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि वो अनाउंस कर रही है कि वो और हाजुकी दोनों रिलेशनशिप में है और प्रूफ के तौर पर वो उनकी फोटो भी दिखाती है। और इसके साथ साथ वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगती है, कहती है कि मेरा भी दिल टूटा था, आज तुम्हारा भी टूटा है, हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो तो एज अ फ्रेंड बस उसे चुप कराने के लिए उसे हग करता है। और यही वो सीन था जो सौरा ने कमरे के बाहर खड़े होकर देख लिया था। अब वो ये सब मिसअंडरस्टैंड करती है और बस बाहर जाकर रोना स्टार्ट कर देती है। वो बीच सड़क के बैठी हुई थी, स्नोफॉल भी हो रही थी, इतने में वहां पर हाजुकी पहुंच जाता है। अब सौरा रोते रोते उसे बता रही होती है कि किस तरह से मिस्टर कौन ने मेरे डिजाइन चुरा लिए और अब वो देख कर आई है कि ओतो और सारा दोनों डेट करते हैं। वो कहती है कि मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैं इस जॉब को भी क्विट कर रही हूँ। हाजुकी बहुत स्वीट था और उसे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसके बाद वो ऑफिस में जाता है, मिस्टर कौन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अब से तुम चीफ पैटर्न डिजाइनर नहीं हो। अब हाजुकी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसी जॉब पर लानत भेजता हूँ। और इसके साथ ही वो ये जॉब छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सौरा और हाजुकी दोनों जाते हैं मैनेजर के पास और उसे वो ड्रेस दिखाते हैं जो वो डिजाइन कर रहे थे उन दोनों आइडल्स के लिए। वो ड्रेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, मैनेजर को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ये सारा टाइम सौरा बहुत ऑकवर्ड सा फील करती है। वो ओतो से नजरें भी नहीं मिला सक रही थी और ओतो भी उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि वो हर्ट हो जाएगा अगर उसने उससे हाजुकी के बारे में कोई बात की। और बस फिर इसी तरह से दोनों तरफ से खामोशी होती है तो दिल की बातें दिल में ही दबके रह जाती हैं। उसके बाद हाजुकी सौरा के पास आता है। वो उसे बताती है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इतना सब कुछ हैंडल करना और खास तौर पर ओतो का सामना करना। हाजुकी यहाँ पर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही स्वीट गर्ल हो, बहुत टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारे जैसा टैलेंटेड तो नहीं लेकिन फिर भी जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, प्रोफेशनली भी और अगर तुम चाहो तो पर्सनली भी। वो उसे ये भी ऑफर करता है कि अगर तुम ओतो को बुलाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने को तैयार हूँ। लेकिन आगे से सौरा हंसने लगती है और इस बात को मजाक में डाल देती है, कहती है कि प्यार करने का कोई टाइम नहीं, ये काम करने का टाइम है और अभी हमें बहुत सारा काम करना है। सौरा के डिजाइन एक कंपनी को पसंद आए थे, वो उन्हीं के लिए पोर्टफोलियो रेडी करके जाती है लेकिन वो कंपनी आगे से उससे एक्सक्यूज कर लेती है और कहती है कि हम सिर्फ तुम्हारे बॉस के साथ काम कर रहे थे, अब तुमने वहां से रिवोल्ट किया है तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ एक ही सीन है कि तुम्हारी कलेक्शन आगे चल सकती है और वो ये है कि तुम खुद ही अपने लिए स्पॉन्सर तलाश करो या मनी रेज करो। उसे 5 मिलियन चाहिए थे जो कि सौरा को लगता था मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक से बढ़कर एक मुसीबत सौरा पर आती रहती है।
मैनेजर भी उसके पास आती है और उससे बार बार सॉरी करने लगती है कि हम तुम्हारे डिजाइंस BPM बैंड के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड से जो उनके लिए ड्रेसिंग और स्टाइलिंग करना चाहते थे, और उनकी कंपनी भी मजबूर थी, वो उनको नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए वो सौरा से कहते हैं कि तुम एक इंडिविजुअल डिजाइनर हो, तुम्हारे ड्रेसेस हम नहीं ले सकते। अब सौरा सैड होकर आंटी के पास बैठी हुई होती है। उसे लग रहा था कि उसकी फुलझड़ी चलने से पहले ही फुस हो गई है, लेकिन यहाँ पर आंटी उसे हिम्मत दिलाती है और उसे पॉइंट आउट करती है कि सबसे बड़ा कार्ड अभी भी तुम्हारे हाथ में है और वो तुम्हें गॉड ने दिया है। तुम्हारे टैलेंट के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मैडम आसागी की बेटी हो। तुम अपनी मम्मी से क्यों कॉन्टेक्ट नहीं करती? वो तुम्हें ओ करती है क्योंकि वो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी, और अब वो इतना तो कर सकती है कि तुम्हारे लिए स्पॉन्सर तलाश कर दे तुम्हारे रियल टैलेंट को उभारने के लिए। अब सौरा भी यही सोचने लगती है और ओतो को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास अगर मेरी मम्मी का नंबर या ईमेल हो तो मुझे बताना। और ओतो ने तो पहले ही उसके लिए स्क्रीनशॉट रेडी करके रखा हुआ था, और साथ ही साथ वो सॉरी भी करता है कि हम तुम्हारे ड्रेसेस नहीं पहन रहे। आज ओतो ने बात तो करते हैं लेकिन पहले वाली बात नहीं रही थी। दोनों को लग रहा था कि सब कुछ बहुत सुपरफिशियल है और बहुत सी बातें हैं जो वो दिल में छुपाए हुए हैं। अब कॉल कट करने के बाद वो तो सौरा को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें लाइक करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन सौरा उस टाइम पर नहा रही थी। बहुत देर बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि ओतो ने एक मैसेज भेजा था लेकिन डिलीट कर दिया है। अब सौरा काफी क्यूरियस होती है, सोचने लगती है, और उसके बाद एक मैसेज उसे भेजती है और वो भी यही था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और उसने फैसला किया था कि अगर आधे घंटे तक उसने ये मैसेज पढ़ लिया तो ये मेरी किस्मत है, वरना मैं इसे डिलीट कर दूंगी और वो भी मेरी ही किस्मत होगी। और फिर इसके बाद सौरा बहुत बेचैन होती है। उधर हमें ओतो को दिखाते हैं, वो तो अपने काम में बिजी था। काफी देर बाद जब वो फारिग होता है, अपना फोन खोलता है तो सौरा की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था, लेकिन ओपन किया था पर वो डिलीट हो चुका था क्योंकि आधा घंटा कब का गुजर चुका था। वो दोनों यही सोचते हैं कि कोई तो मैसेज आया था लेकिन शायद वो अंधेरी रात निकल गई है और ये राज और कोई भी नहीं जानता। और फिर कुछ दिनों बाद सौरा की मुलाकात अपनी मम्मी से होती है। मैडम आसागी उससे मिलने के लिए आई हुई थी लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई थी, ना उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया था। अब सौरा भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शायद मैं कुछ गलत सोच कर आई थी, और वहां से जाने लगती है तो मैडम आसागी उसे रोकती है और उसे सॉरी करती है कि मैं एक अच्छी मम्मी नहीं बन सकी। अब वो उसे बिठाती हैं और बार बार पूछती हैं तो सौरा उनको बता देती है कि एक्चुअली मुझे आपसे पैसे चाहिए, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए स्पॉन्सर तलाश करें। और अपनी सारी कलेक्शन भी उनको दिखाती है। वो कलेक्शन काफ़ी इम्प्रेसिव थी। वो कहती हैं कि तुम रॉ हो लेकिन तुम्हें बहुत टैलेंट है, बिल्कुल मेरी तरह से। वो उसे कहती हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ पेरिस चलो। उनके ब्रांड का नाम कॉल्जा था और वो कहती हैं कि उसमें मैं तुम्हें चांस दूंगी, तुम भी पेरिस के फैशन शो में हिस्सा ले सकती हो। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहला जो तुम्हारा ड्रेस देखा था उसी से ही मैं इम्प्रेस हो गई थी। अब सौरा ने भी फैसला किया था कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ेगी क्योंकि बाकी सारों ने तो उस पर दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन अब हाजुकी परेशान बैठा था कि तुम तो पेरिस चले जाओगी, मेरा क्या बनेगा? तो यहाँ पर सौरा उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, मेरी मम्मी ने मान लिया है और तुम भी कॉल्जा में काम करोगे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक भारी दिल के साथ सौरा उस घर से अपनी सारी यादें और चीजें समेटने लगती है। एक दफा वो अपने पुराने ऑफिस एंडरसोनिया के बाहर से गुजर रही होती है तो उसकी एक्स कोलीग उसे देख लेती है और बताती है मिस्टर क्वान तुम्हें तलाश कर रहे हैं, और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाती है। मिस्टर क्वान कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कलेक्शन तुम्हें वापस कर दी है, मैं अब कुछ चोरी नहीं कर रहा। उन्होंने उसे बार बार कॉल्स की थी लेकिन सौरा ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी मम्मी की फोटो देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर उनको पता चला तो मैं उनके सामने कितना शर्मिंदा होऊंगा, और बस तब से ही उन्होंने अपना थीम चेंज कर लिया था। और अब वो सौरा को बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देते हैं और उसके लिए खुश होते हैं कि वो अब पेरिस जा रही है। सौरा भी अक्सर ओतो को देखा करती थी लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर। उन दोनों के बीच फासले बढ़ते जा रहे थे और बहुत अरसा गुजर गया था, उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अब नेक्स्ट वीक सौरा ने पेरिस चला जाना था तो आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फेयरवेल अरेंज की है, सारे लोग आ रहे हैं और साथ में ओतो को भी मैंने बुलाया है। लेकिन जब पार्टी का दिन होता है तो जब सौरा घर वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ दो लोगों का खाना वहां पर पड़ा है और आंटी खुद गायब है। इसका मतलब है कि आंटी ने उन दोनों को सेट किया है। और खुद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने बाहर चली जाती है। अब सौरा बहुत नर्वस होती है, 100 दफा जाकर मिरर में देखती है कि वो कैसी दिख रही है और फिर ओतो का वेट करने लगती है। इतने में ओतो भी वहाँ पहुँच जाता है। सौरा उसे वो बातें बताती है कि इतने सालों बाद अपनी मम्मी से मिली, उनकी सेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, शायद उन्होंने अपना परफ्यूम नहीं बदला, या फिर शायद आज भी मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। और साथ ही साथ उसे टॉन्ट भी करती है कि ओतो तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन उसका कहना था कि सौरा तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बेशक तुम टोक्यो वुमन बन गई हो, अब पेरिस जा रही हो, लेकिन दिल से तुम बिल्कुल पहले दिन जैसी हो, वही स्मॉल टाउन गर्ल जो मुझे पहली दफा मिली थी।
और फिर उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि जब उन दोनों ने इकट्ठे सपना देखा था कि वो लोग समर सीजन इकट्ठे गुजारेंगे और फायरवर्क्स देखेंगे। अब डिनर के थोड़ी देर बाद ओतो ने चले जाना था। जब उसके जाने का टाइम आता है तो सौरा बहुत सैड हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही दिल में बातें रखे हुए थे, कुछ भी नहीं बोलते। ओतो जैसे ही मुड़ता है, सौरा उसे रोकती है और कहती है कि अगर कोई दिन ऐसा हो कि मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगे। ओतो का कहना था कि तुम ये सवाल कैसे पूछ सकती हो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगा। और फिर इसके साथ ही उसे एक टाइट हग कर लेता है और बहुत रोता है। अब सौरा भी बहुत रोती है, लेकिन इसके बाद वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते। अब सौरा ने पेरिस चले जाना था, ओतो से बहुत दूर। मैके सौरा और उसकी मम्मी अब नानी के पास बैठे हुए होते हैं। अब उसकी मॉम अपनी मामा से माफी मांगती हैं और यहाँ पर सौरा भी उनसे सॉरी करने लगती है और कहती है मैं इसलिए सॉरी कह रही हूँ कि मैं टोक्यो गई और आपसे मिलने के लिए वापस भी नहीं आई। नानी हैरान थी कि बेटी भी बिल्कुल अपनी मामा जैसी निकली है और अब वो भी फैशन डिजाइनिंग के लिए टोक्यो जा रही है। यहाँ पर नानी आती है और सौरा को कुछ दिखाती है। एक्चुअली उसकी मम्मी उसे हमेशा बर्थडे पर कोई ना कोई गिफ्ट भेजा करती थी जो कि नानी छुपा लेती थी ताकि सौरा को देखकर दुख ना हो। अब सौरा को रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसकी मम्मी उसे प्यार करती थी, लेकिन अपने पैशन के पीछे वो इतनी दीवानी हो गई थी कि उसे छोड़कर चली गई। लेकिन इस बात का गिल्ट उन्हें हमेशा रहा। उन दोनों ने अपना लास्ट डे एक फील्ड में गुजारा था और इस फील्ड को अगर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका नाम कोल्जा बनता था। सौरा ये बात समझ गई थी कि उसकी मम्मी ने उसी के ही प्यार में अपने ब्रांड का नाम कोल्जा रखा है। उसके बाद हमें हाजुकी को दिखाते हैं जो एक दफा सेरा के ऑफिस में आया हुआ होता है। सेरा को मिलता है और उससे कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी और ओतो की डेट बहुत अच्छी जा रही होगी। और यहीं उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि एक दिन सौरा यहाँ पर आई थी और उसने तुम दोनों को हग करते देखा था, तभी तो वो तुम्हारे और ओतो के रास्ते से हट गई थी। उधर सौरा ने भी अपनी पैकिंग पूरी तरह से रेडी कर ली थी और अब उसने कल चले जाना था। यहाँ पर आंटी से वो मिलती है और उनका बहुत सारा थैंक्स भी करती है, क्योंकि टोक्यो में अगर किसी ने उन्हें सहारा दिया था तो वो आंटी ही थी। अब नेक्स्ट डे सेरा की रिकॉर्डिंग थी और यहाँ पर वो ओतो के पास आती है और उसे बताती है कि आज तुम एयरपोर्ट पर उसे मिलने के लिए ज़रूर जाना और उसे सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। कहती है कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा जालस हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ही ये झूठ बोला था कि सौरा और हाजुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मुझे कल ही हाजुकी के थ्रू ये बात भी पता चली है कि एक्चुअली सौरा ने हम दोनों को देखा था और मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि जैसे तुम मुझे लाइक करते और उससे बेवफाई की है, इसी वजह से वो तुमसे दूर हो गई थी। अब वो तो कहा आज उसे मिलने जाना, ये सारी कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी था ताकि वो जाने से पहले एक क्लियर माइंड के साथ जाए। लेकिन एंड टाइम पर मैनेजर आती है और कहती है कि उनकी जो रिकॉर्डिंग थी उसमें कुछ गड़बड़ है, उन्हें दोबारा से करनी पड़ेगी और अगर अभी ना की तो फिर उनका न्यू सॉन्ग बहुत लेट हो जाएगा। अब वो तो कहता है प्रोफेशन सबसे पहले है, इसीलिए हम काम पर तवज्जो देंगे, ये सब बाद में भी हो सकता है और शायद अभी किस्मत में ये लिखा भी नहीं है। उधर सौरा को कुछ लोग एयरपोर्ट पर सी ऑफ भी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें ओतो नहीं था। लेकिन ओतो ने एक लेटर भेजा था आंटी के थ्रू सौरा के लिए। सौरा बहुत बेचैन थी कि इस लेटर में क्या लिखा है। वो उस लेटर को साइड पर बैठकर पढ़ने लगती है, लेकिन इसमें क्या था ये हमें अभी नहीं दिखाते। और उधर ओतो बेचारा अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद बहुत सारे एरोप्लेन्स को देख रहा होता है कि इनमें से कौन सा होगा जिसमें बैठकर सौरा उसे बहुत दूर चली गई है। अब इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। दिखाते हैं कि सौरा जापान में वापस आ गई है, उसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज और अवार्ड्स भी हैं। लेकिन अब की बारी वो टोक्यो नहीं आई बल्कि अपने होमलैंड में रहती है, उसी स्मॉल टाउन में। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पेरिस में उसने बहुत अच्छा काम किया था और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी करके आई है, लेकिन इसका पेरिस के फैशन में और वहाँ की तेज लाइफ में मन नहीं लगता था। यह हर वक्त अपने नए थीम और नए कलेक्शन की टेंशन में पड़ी रहती थी, इसलिए अब उसकी मामा ने उसे शांति करने के लिए यहाँ पर भेज दिया है। मिस्टर क्वान भी उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से अपने टैलेंट को ज़ाया ना करो। सौरा कहती है कि कुछ लोग लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं और कुछ फाइट करने के लिए, मैं लगता है एंजॉय करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर क्वान उसे समझाते हैं कि जिस तरह का टैलेंट तुम्हारे पास है ये गॉड का गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट भी करो और साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करो। उधर हमें ओतो और सैरा को दिखाते हैं, उनका बैंड बहुत अच्छा जा रहा था और आज वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो अपनी कॉन्सर्ट्स की चेन करने के लिए एक स्टेट में जा रहे थे और यही बात वो न्यूज में ब्रीफ कर रहे होते हैं कि सौरभ ये सब सुनती है और एक्चुअली वो लोग उसी की स्टेट में आने वाले थे। इतने में उसे सैरा की कॉल भी आती है और अब सैरा उससे कहती है कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। एक्चुअली मैंने ही ओतो को उस दिन झूठ बोला था कि तुम और हाजुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो उसे बहुत सॉरी भी करती है कि मैं जेलसी में आ गई थी और अब तुम दोनों की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कराना चाहती हूँ। लेकिन सौरा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और ये बात बहुत पुरानी हो गई है, अब इसे क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं।
और उसके बाद सौरा हमेशा बस ओतो की और सारा की फोटो को देखती रहती थी। उसको लगता था कि जैसे वो ही मेड फॉर ईच अदर हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली नानी को एलिवेटर भी मिल चुकी थी, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर और अपनी डॉटर ने मिलकर दिलाई थी। इतने में सौरा को घर पर पार्सल मिलता है और वो पार्सल ओतो की तरफ से था। वो उसी के शहर में एक कॉन्सर्ट करने आ रहा था, जिसके लिए उसने उसे टिकट भेजी थी। ओतो भी याद कर रहा होता है कि यही वो शहर था जहाँ पर उसकी पहली दफ़ा सौरा से मुलाकात हुई थी, उनकी टक्कर हुई थी और उनके एयरफोन्स भी एक्सचेंज हुए थे। अब कॉन्सर्ट इंजॉय करने के बाद सौरा को पता चलता है कि ओतो ने उसको बैक स्टेज बुलाया है। वो उससे मिलना चाहता है, कुछ स्पेशल बात करना चाहता है, लेकिन सौरा इतनी घबराती है कि फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। ओतो को ये बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। वो फ़ौरन से सौरा को मैसेज करता है और उसे रोकता है, कहता है कि प्लीज़ आना, मैंने तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और फाइनली वो उसे किसी तरह कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि मुझे एक पॉइंट पर रात को 11 बजे मिलो। और वो कौन सी जगह थी ये वो पढ़ सकती, उससे पहले ही सौरा की बैटरी डेड हो जाती है। जबकि उधर ओतो को उसके अपने स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जिन्होंने कॉन्सर्ट अरेंज कराया था। वो उसके साथ बैठकर बातें करना चाहते थे, ड्रिंक करना चाहते थे। अब सौरा को एकदम क्लिक होता है कि शायद इसने उसी जगह मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर हम दोनों के एयरफोन्स एक्सचेंज हुए थे। वो रात के इस समय सर्दी में दौड़ती हुई भागती हुई उसी जगह पर जाने लगती है, जबकि वो तो अपने स्पॉन्सर्स के बीच फंसा हुआ था। लेकिन आज के दिन उसकी मैनेजर उसे किसी तरह से आज़ादी दे ही देती है और कहती है कि जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी। अब सौरा उसी सड़क पर उसी सिग्नल पर खड़ी होकर उसका वेट करने लगती है, लेकिन 11 कब के बज चुके थे और वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एक दफ़ा फिर से लगता है, उसे लगता था कि एक दफ़ा फिर से वो तो उसे निराश कर देगा। लेकिन ओतो बेचारा वो भागता हुआ किसी ना किसी तरह टाइम पर पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लेट हो गया था। जब तक वो आता है सौरा वहाँ से जा चुकी थी, उसने आधा घंटा उसका वेट किया था। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े अचानक उसे उसका स्कार्फ दिखाई देता है, जो वो लेकर पीछे की तरफ भागता है और फिर एक जगह फाइनली उसे सौरा दिखाई दे जाती है। वो उसे आवाज़ देता है, बुलाता है और उससे और इंतज़ार नहीं हो सक रहा था तो वहीं पर ही खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि तुमसे जो पहली मुलाकात हुई थी वो मैं आज तक नहीं भूला और तब से लेकर अब तक मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था, करता हूँ और अभी भी करता रहूँगा। और फिर इतने में सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब सौरा भी दौड़ती हुई आती है और आकर उसे हग कर लेती है। अब वो भी उसे आई लव यू टू बोलती है और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर वो तो कहता है कि बहुत समय हमने ज़ाया कर लिया, लेकिन अब इसके बाद मैं और कोई भी टाइम तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता, इसलिए लेट्स बी टुगेदर। और फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ओतो और सौरा दोनों आंटी के घर पर आए हुए हैं। एयरफोन्स लगाकर वो वही वाला गाना सुनते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना था। एक्चुअली उस इनवेलप में ओतो ने उसको एयरफोन ही भेजा था और साथ में एक लेटर भी था, जिसमें उसने सौरा को यही कहा था कि जब हम दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे और जमाने से लड़ सकेंगे तभी हम एक दूसरे से वापस मिलेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज सौरा उसकी इस शायरी पर और इस तरह की फिलॉसफी वाली बातों पर उसका काफ़ी मजाक उड़ा रही होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।